Complete discharge. Are we ready? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umeed hai aap sab khairiyat se honge. As-Saffa ke teesre webinar ke saath aaj main khususan Sheikh Atif ke saath jo hai wo maujood hoon. Assalamu alaikum Sheikh sahab, kaise hain? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. How are you? Alhamdulillah. आपका जज्बा और आपकी जो है वो स्ट्रगल देखते हुए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप थक चुके हैं वेबिनार से, आज तीसरा है खाली. वी हैव बीन डूइंग दिस माशाल्लाह से. हे अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल फाइन. इनफैक्ट आई हाईली अप्रिशिएट यू के आपने माशाल्लाह से बड़ी मेहनत की. नहीं, हुज़ैफा भी आज बैठा हुआ है हमारे साथ. हुज़ैफा हमारे साथ ही होता है हमेशा. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से. सो हाउ इज द रिस्पॉन्स? व्हाट्स अप? अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी यू नो अमेजिंग. अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली बार हमारे पास जो लास्ट काउंट था फर्स्ट सेमेस्टर का, दैट वाज अराउंड 350 प्लस. इस बार जो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह वो 500 से ऊपर है, और पिछले वाले मिला के इंशाल्लाह 1000 स्टूडेंट्स पूरा. ओवरऑल एनरोलमेंट इस टाइम पर हमारे सफा के प्रोग्राम में कितनी है? वी विल बी टीचिंग इंशाल्लाह 1000 स्टूडेंट्स. 1000 स्टूडेंट्स, यस. वैसे ऑनलाइन का फायदा हो गया ना? ऑनलाइन का फायदा हमने बहुत सालों साल कराची के अंदर जो है वो ऑन साइट पढ़ाया है, और उस वक्त लोग कहते थे आप लाहौर क्यों नहीं आते, आप यहाँ क्यों नहीं आते, आप वहाँ क्यों नहीं आते. तो उस वक्त, क्योंकि उस वक्त देख रहा था सफ़ा को, तो आपने भी उस वक्त कुछ बोला कि देखो कुछ, लेकिन उस वक्त बस कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कुछ चीज़ें इंसान से कुछ चीज़ों के जरिए कराता है. अल्लाह कुरान में भी तो फरमाता है कि वासान तक रहुशन अल्लाह, तो एक चीज तुम्हें बुरी लगती है मगर उसमें खैर होती है. वासान तो हिब्बु शैयन व हुवा शरुल्लकुम, एक चीज में तुम्हें शर दिख रहा है, तुम्हें खैर दिखती है मगर उसमें शर होता है. वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून. अल्लाहू अकबर. सो चलें, देर आए दुरुस्त है. यही हुआ कि कोविड एकदम से आया तो इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्लासेस चल रही थी, क्या करें, तो जल्दी जल्दी जूम के अंदर उसको जो है. मैं पहले इस पर थोड़ा सा आई वुड वॉन्ट टू नो के देखें, देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स अ लॉट ऑफ वर्ल्ड डजंट नो अबाउट अस. क्यों ज़ैफ़ा? बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे बारे में, और एक जगह पे तो बड़ी खूबसूरत ब्रांडिंग भी किसी ने की है, ये जो दिखते हैं वो ये है नहीं. तो तो उसके बारे में आई वुड वॉन्ट टू से, इस पे एक अलग वेबिनार होना चाहिए, इस पे टाइटल ये हो, हम जो दिखते हैं वो हम है नहीं. नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला आसानी करे. ये भी वैसे ठीक नहीं है कि जो इंसान दिखे, कभी कभी दिखाना कुछ और पड़ता है और करना कुछ और पड़ता है. ये भी स्ट्रैटेजीज का पार्ट है, तदबीर का पार्ट है. आई जस्ट वांटेड टू से कि हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए. देखिए, मैंने स्टार्ट हमने अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ने इस नाचीज फकीर से लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पास जो बड़ी आर्सनल्स थे वो एक तुम थे और एक वकी था, उस्ताज वकी एन यू. और भी बच्चे थे माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनको भी बड़ी तरक्की दी, उन्होंने अपने इदारे बनाए, काम किए माशाल्लाह से. तो पॉइंट ये था कि ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आज हमें सॉल्व कर देना चाहिए और दे देना चाहिए कि जो कि क्या किया हमने इस अरसे में, 7-8 सालों में. पहले तो मैं रिसर्च के साथ आपके साथ इन्वॉल्व रहा हूं, बट वॉट हैव वी बीन अप टू इन लास्ट 7-8 ईयर्स. आज मैं होस्ट बन जाता और आपको आप ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. मैंने आप ये बताएं कि क्या कर रहे थे हम इस दरमियान इस करिकुलम के साथ, एक सिलेबस के साथ. और वैसे अल्लाह का करम है, हम ऑनलाइन भी अगर लेट आए हैं 6-7-8 साल, तो वॉट वर वी डूइंग एक्चुअली, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? पहला दिन 9000 घंटे का सिलेबस हमारे सामने, किसी को जो है वो दीन अगर पढ़ाना है, आपने एक आलम का कोर्स पढ़ाना है, 9000 आवर्स जो एक बंदे को आपने उससे गुजारना है. उसके बाद उसके अंदर अरबिक उसकी जो है वो डिफिकल्टी लेवल, कुछ की अदबी जबान है, कुछ की गैर अदबी जबान है, कुछ किताबें जो है वो फारसी और कुछ किताबें जो है वो. अच्छा, मैं इधर एक माजरत से एक टेंजेंट ले लेता हूँ. मेरा जहां तक ख्याल है, लोग हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं. देखें, लोगों की हमसे अकीदत है, प्यार है. बहुत से लोग सिर्फ मोहब्बत में आ जाते हैं कि भाई माशाल्लाह से शेख साहब भी हैं तो चलते रहें. लेट अस
मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि फैकल्टी कितनी कॉम्पिटेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे देखो, अब तो सारा इदारा कराची का तुम्हारे पास है, और जो ऐसे ही है, यू डोंट नीड टू गेट इमोशनल, और जो लाहौर है वो मैंने वकी को माशाल्लाह से, ही इज हेडिंग एंटायर पंजाब ओवर देयर। तो मुझे अब इतनी ज्यादा खबर तो चीजों की रहती नहीं है, एज आई एम ऑन टूअर्स एंड ऑल। कितनी बार कुरानिक एप्लीकेटिव अरेबिक कराया तुमने? 46 times आपने ये कोर्स कराया, अल्हम्दुलिल्लाह। और 46 टाइम्स, दैट्स वन गुड नंबर इन 4 years। इन 4 years, 4 years। अच्छा, तो इसके अंदर मतलब ये कितने घंटे का अरेबिक का कोर्स है? ये 15 hours। मतलब मैं ये तो नहीं कंपेयर करूंगा कि ये उस लेवल का होगा जिस लेवल का मदरसे में होता है, बट हाउ मच हैव यू अचीव्ड आउट ऑफ इट? आई हैव अराउंड प्लस 2000 स्टूडेंट्स, 100% सैटिस्फाइड विद देयर अरेबिक, सॉल्विंग कुरान। अच्छा, ये भी अच्छा नंबर आ गया है कि यू हैव, आज हम होस्ट हैं, आप आपको इंटरव्यू नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑपरेशनल हेड है ना। आई डोंट नो क्यों वैफा, आई डोंट नो मच अबाउट व्हाट हैपेंस इन मिद्रार। अब तो He is the chief right now, ना माशाल्लाह से। He is heading everything, he is creating everything, और यही हमारा मेरे ख्याल से टारगेट भी था कि मैं लीडर्स ही क्रिएट करना चाहता था। I never wanted to be the entire चौधरी of the system over here. Point ये 2000 students, 2000 है, सदका जा रही है, भी अच्छा हो गया माशाल्लाह से। एक की भी दुआ लग गई, एक ने भी कुरान समझ लिया उस कुराने के अरेबिक के मॉडल से, तो खैरु मिन हमरुन नाम हमरे नाम है, 100 ऊंटों से बेहतर अगर किसी का अकीदा दुरुस्त कर ले। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू के देखिए, हम नहव एक इल्म है, सिंटेक्स और मोर्फोलॉजी जिसे हम कहते हैं, नाफ सर्फ जो होती है आपकी अरबी के अंदर, के जो नाउन वर्ब और पार्टिकल्स की जो प्लेसमेंट है सेंटेंस की क्रिएशन में, इसके आर्ट को और इसके इल्म को हम नाफ कहते हैं। बिल्कुल। और लफ्ज की जो वर्डोलॉजी है और जो उसकी डेप्थ है कि एक लफ्ज फा आइन लाम के कलमे से, या जो डाई है उसकी से, आबादा आइन बादाल से, उसकी कितनी डेप्थ खुल सकती है, ये सर्फ हो गया ना, लफ्ज लफाजी कितनी आगे तक जा सकती है। तो मेरे ख्याल से अगर हम एक साल इल्मुन नहफ, दूसरे साल किताबुन नहफ, तीसरे साल हिदायतुन नहफ, चौथे साल अगर कहीं पर कतरुन निदा चल रही है इमाम इब्न हिशाम की तो वो ले लेते हैं, या किसी जगह के ऊपर काफिया चल रही होगी, और पांचवे छठे साल में अगर शरह इब्ने अकील ले लें, अल्फी इब्ने मालिक की जो शरह है, तो ये 6 किताबें बनती हैं। और अगर एक घंटे का भी पीरियड हो मदरसे में, मैं ये सारी डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि अवाम जरा इन्वॉल्व हो कि मदरसा होता क्या है। बिल्कुल। और हम उनको पता चले ना क्या मेहनतें हुई हैं, क्यों ज़ैफा मैं तो तुम्हारे यस लेता रहूंगा बस यहाँ पर, तो पता चले कि भाई किस तरह हमारे टारगेट्स क्या थे और किस तरह हो रहा है। तो अगर एक घंटा एक पीरियड पढ़ाया जाए तो हफ्ते में मेरे ख्याल से दिस वुड बी अराउंड 5 hours, मल्टीप्लाई बाय 4 weeks, 20 hours, मल्टीप्लाई बाय 10 months, 200 hours, 200 hours अगर एक बुक को लगता है तो यहां पर वी हैव गॉट 6, तो मेरे ख्याल से 1200 घंटे सिर्फ नाफ पढ़ाई जाती है। बिल्कुल ऐसी है। वाओ, दैट्स 1200 hours, 1200 hours मदरसे का बच्चा गोस थ्रू अन हेक ऑफ अ करिकुलम, वो भी अरेबिक, प्योर अरेबिक, नहव ओनली, मतलब उसने कलिमा जो है, जो जुमला है, जो सेंटेंस है, उसकी क्रिएशन कैसे करनी है। कलिमा रेवर अ गुड वन है, जब शेख कारी खलीला खरीमान अजीज जो है हमारे अदल अजीज, कलिमा की तीन अक्सा, कलिमा की तीन अक्सा पहले दे दो, इट्स कलिमा व्हाट। अच्छा, सर्फ के अंदर आप है इल्म सर्फ ले लें, किताबों सर्फ ले लें, इल्म सीगा ले लें, ये तीन बड़ी किताबें ले लें, तो 750 घंटे आपके ये हो गए। बिल्कुल, ये 2000 घंटे हो गए, 2000 घंटे आपके योग। अगर बलागत जिसे हम कहते हैं, जो बलागत इल्म उल मानी बदी और ये जो बयान जो है एजाज उल कुरान जिसे हम कह लें, या मतलब जो डेप्थ है एक जुमले में, डेप्थ कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल अल इंसानो फिल खुसर, इंसान खसारे में, सही, वल असर लगाया गया, फिर इन्ना लगाया गया, ठीक है, और इंसान से पहले इन्ना आ गया, वल असर की ताइद आ गई, और फी के हर्फ के ऊपर लम आ गया, तो तीन एम्फेसिस आ गए, और वहां पे अल खुसर आ गया ना वहां पर, ठीक है, तो वो नकरा और मारफा से भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं। फिर शेख एक और, वैसे आप लोग ना वैसे निकाल लेते हैं बहुत कुछ जुमलों में से, शेख आप बोले क्या निकाल जैसे इसी में जब हमें शेख कहते हैं ना, मौलवियों को जो ना अपनी वैसे
चील जायज करनी आती है वैसे हर लिहाज से नहीं, चील क्या आप नुकात बोले इंशाल्लाह, ये इंदल इंसान रफी खुसर में तीन तो ताकीदे सबको पता है। अब आप यहाँ ना शुरू हो जाए या कोर्स में पढ़ाइएगा, मैं भी थोड़ा सा शेख बताऊं बात या गो अहेड कि इन्नल इंसान रफी खुसर, इन्ना एक ताकीद, अल इंसान इस्तगराक, यानी सब सबके सब इंसान इसके शामिल है, ये भी एक मानवी ताकीद आ जाती है कि सब शामिल है, कोई भी इससे बाहर नहीं, शमूल के एतबार से। फिर इसमें लफी के साथ लाम इन्ना एक ताकीद है, फी अल फी के साथ लाम एक ताकीद है, फिर एक फी जो है ना वैसे तो मतलब है प्रेपोजिशन इन, लेकिन इस पे नुक्ता वैसे आपका ही है नहीं वो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जब जलाल की बात की है, जब गुमराही की बात की है, तो पस्ती की बात, तो पस्ती फी फी के साथ यानी गुमराहियों में है, तो मतलब इसका डाउनवर्ड लिफ्ट है, डाउनवर्ड पोर्शन, डाउनवर्ड पोर्शन। और जब भी अल्लाह ताला ने हिदायत की बात की, आला सिरात मुस्तकीम, आला सिरात मुस्तकीम, आला सिरात मुस्तकीम, तो जो उलूब है यानी बुलंदी का जो सीगा है वो हिदायत के लिए है, और जो पस्ती का सीगा है जो फी के साथ। चलें ज़र्फ ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं। तो इसके अंदर भी मानवी ताकीद एक और ले सकते हैं हम कि गुमराहियों में है, दलदल के अंदर फंस चुका है। अगर ऊपर होता ना तो ऊपर ऊपर से भी निकल सकता था। चलें आप अपनी मार्केटिंग जरा कोर्स की बंद करें, लेट्स गो फॉर सम अदर थिंग्स। तो ये तकरीबन बलागत की भी दो किताबें ले लें, अगर बलागतुल वाजिया ले लें, तलखीसुल मिफ्ताह ले लें अगर यहाँ पर, तो पॉइंट ये है, तो दिस सम अराउंड 2500 टू 2750 आवर्स ऑफ नाव एंड सर्फ। तो ये आपका दावा अजीब सा नहीं है कि भाई आप कुरान के एप्लीकेटिव, आप कुरान की अरबी जो है वो 16 घंटे, पहले आप 25 घंटे में कराते थे, फिर 16 घंटे में आके, तो डोंट मतलब, तो हैव यू रियली अचीव, ठीक है ये तो एक ये भी तदरीजन से 15 घंटे पे आए। पहले मैं सबसे पहला एक कोर्स मैंने वालदा को कराया था एक साल में और बड़ा मुश्किल था वो। तो मेरे ख्याल से इस 8 सालों की जो जिद्दोजहद में एक ये नुक्ता भी था कि हमने कंसिजन के ऊपर बहुत मार खाई है। लोगों को शायद एक घंटे का लेक्चर जो है, ये हमारा जो एक घंटे का समअप लेक्चर है और जो हमारा मेथड है बंदे का दिमाग खोलने का कि वो उस पर है, तो पहली बात हम ये क्लियर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीधे बन जाएगा 15 घंटे के अंदर। नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक अलहदा लेवल है कि जिसके अंदर जो है अरबी के सारे फनून और अरबी की सारा लेवल और अरबी की सारी डेप्थ वो सारा आएगा, ठीक है वो भी शौक होना चाहिए, तो जो आगे जाना चाहे इट्स फाइन विद दैट। लेकिन अगर कोई शख्स चाहता है कि भाई मैं इतना नहीं दे सकता, अगर अपने प्रोफेशनल अपने कमर्शियल अपने प्रोफेशनल अपनी डेली लाइफ के अंदर इतना तो होना कि मैं डायरेक्ट सीख सकूं, तो हमने ये कुरान के एप्लीकेटिव का कोर्स ही छोटा करने में 7-8 साल लगा दिए हमने इसमें, एंड 2000 स्टूडेंट्स। अच्छा मुझे पता था कि कुरान एकेडमी का कोर्स एक बड़ा अच्छा होता था एक जमाने के अंदर, इसका डॉक्टर सरार साहब वाले जो कराया करते थे जी, आसान अरबिक का कोर्स, उनके भी बड़े काफी स्टूडेंट, उनके काफी स्टूडेंट्स, 1 ईयर कोर्स उनका, हाँ 9 मंथ्स का था मेरे, 9 मंथ्स ना, वो भी बड़ा प्रोडक्टिव उन्होंने जो ना कुरान की अरबिक पे बहुत काम है माशाल्लाह, कुरान काम उनका बहुत ज्यादा रहा है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह से वी हैव राइट नाउ अ वेरी मतलब 46 times इसके अंदर जो एक फाइंडिंग है वो ये है कि लोग जो है ना वो एक साल कमिट करने पे 8 महीने 9 महीने। अच्छा कुछ ब्रेन्स आपको ऐसे मिले जो वाकई पिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मैंने उनसे क्लास के अंदर, मैंने अली का एक दफा जो आपके भाई हैं उसको मैं हिल गया था देख के कि ये इबारतें हल करना शुरू हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान। नहीं मैं हम ये भी दावा नहीं कर रहे कि इतनी जल्दी वो कोई भी अरबी की किताब पे हाथ डाल देगा, लेकिन मैं शायद एक शेख को जानता हूँ, ही वंस टोल्ड मी कि भाई अगर अवामुन नास के अंदर इतना भी पोटेंशियल आ जाए ना हमारे इदारों के साथ जुड़ के कि भाई वो खुद किसी ना किसी किताब को खोलने के काबिल भी हो जाएं, शौक शौक की बात है। जैसे सदफ बाजी वाज वन ऑफ द टॉपर मतलूब, एंड इफ शी इज हियरिंग अस एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू एज़ वेल सदफ बाजी, सदफ मतलूब हैज बीन वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ द, उनको मैंने देखा है कि उन्होंने इबारतें खोलना शुरू कर ली आगे से, बिल्कुल है। हमारे वैसे वक्तों में जब हम एक्टिवेटेड थे ये बड़ी बड़ी पुरानी किताबों की इबारत खोलने का बड़ा शौक होता था वैसे, और हमारे मशायख को हम वैसे उनको अल्लाह ताला हिफाजत रखे, हमने बहुत शौक पैदा किया। अब वैसे क्योंकि मैं इतना इन्वॉल्व रही हूं तो डू स्टिल पीपल हैव द क्रेज ऑफ ओपनिंग द अरबिक बुक्स द ओल्ड लिटरेचर दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द बिग जायंट्स बिग इमाम्स ऑफ दिस उम्मा, डू यू थिंक दे लाइक ओपनिंग दोस बुक्स लाइक मुआफकात ऑफ इमाम शाथवी एंड अभी शौक है या गुजारा ही चल रहा है? नहीं नहीं शेख, जो इल्म के साथ जुड़ता है उसको शौक पैदा हो जाता है, लेकिन ये बात भी समझने की है कि शायद 125 साल या 150 साल की हिस्ट्री के बाद जितना भी इल्म है वो उर्दू में नहीं मिलेगा और फारसी में भी नहीं मिलेगा, वो अरबिक में मिलेगा, वो अरबी में ही मिलेगा। अच्छा मैं ये सोचता था पता नहीं क्यों अरबिक के अंदर नहीं है, मैं जब अरबिक सीख लूंगा ना तो मैं ये सारा काम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा,
लेकिन फिर वही मैं नहीं, जो असल मेरे ख्याल से जो हम जो बात असल है ना वो ये है कि वो जो अरबिक की जो एक वो जो एक सैंक्टिटी है ना, देखिए आप ग्लोरिफिकेशन क्या होती है, एक चीज को बार बार कह कह के 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 ना वो ग्लोरीफाई होती है। तो शायद हमारे असातिज़ा जो थे ना वो अरबी को इस तरह से ग्लोरीफाई करते थे कि हमें ना एक अचीवमेंट और एक ट्रॉफी फील होती थी, यार मैंने एक सेंटेंस सॉल्व कर लिया, ला हयात लिल कुलूबी वला तमानीनता वला नईमा। तो ये एक अकीदा तहावी की ये इबारत जब मैं पढ़ता हूं, वो भी है मतन जिस जबान के अंदर असल होता है ना वही असल होता है, असल वैसे वही है, वैसे वो मजा ही नहीं आ सकता उसको ट्रांसलेटेड वर्जन के। तो हमने 7-8 साल के अंदर ये भी बड़ा काम आई थिंक अल्लाह ने हमसे ये भी लिया, और जो हमने कि हमने मतलब इसको कंसाइज भी किया, तोड़ा भी, और अपने पहले शुरू में दगड़ मार किस्म के बेढंगे मेथड्स भी यूज किए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जुबानें इतनी हमारे साथ जाके और तुम्हारी तो इतनी रवा हो गई होगी कि आई थिंक इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मैं फेल से शुरू करूं, हर्फ से बहस शुरू करूं या एसएम से शुरू करूं। जैसे मैंने मुझे याद एक दफा मैं मुजाफ लेके कॉम्बिनेशन एक माशाल्लाह से मेरे ख्याल से वकील लेके आया था, और वो अहनाफ की या देवबंदी मसलक की किसी उस्ताद की एक अरबी की किताब थी, उसमें ना ये कॉम्पोजिशन बड़े स्ट्रॉन्ग बने हुए थे कि ये मुजाफ मुजाफ लेके कितने तीन मुजाफ भी एक साथ आ सकते हैं, यानी दो मुजाफ आ जाए तो तीन मुजाफ, मेरे ख्याल यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन हो गए हैं, अब अद्दीन या मुजाफ ले यौम मुजाफ भी है मुजाफ मुजाफ ले भी है, तो इस तरह मुब्तदा खबर के कितने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के कितने कॉम्पोजिशन, बहुत काम हुआ है अरबिक के अंदर। अच्छा फिर ये भी मैं सोचता था कि भाई अब कभी कभी फेल फाइल हो और मफूल आने से पहले मुदा मुदाफले आ जाता है, यू नो किसी की जगह पर जार मजरूर आ जाता है, तो कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है लोग जार मजरूर व्हाट व्हाट मुदा मुदाफले मुब्तदा खबर जार मजरूर जुमला फेलिया इसमें अच्छा इट्स ओके फाइन यू डोंट हैव ये कोई मतलब अपने रेस्टोरेंट के तरफ वैसे एक जगह मुझे याद है मैं वकील के साथ कहीं बैठा हुआ था, तो हम लोग कहीं खाना खाने के लिए गए, तो उसने अपना ना दाल मखनी दाल चिकन दाल फलान 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 उसने जब ये शुरू किया ना, तो वाकई क्योंकि नया नया पढ़ता था उसने अपना शुरू कर दिया, जरा भाई दर्बन फवाबन दर्बन दर्बन वो, तो दैट वॉज वन ऑफ ब्यूटिफुल टाइम। तो और हमने इन 7-8 सालों में जो हमारी स्ट्रगल रही, हालांकि मुश्किल काम था, अब जैसे कि उसूल शाशी ले लें आप, उसूल फिक पर एक नजर ले लें आसिम अल हद्दाद की, उसके बाद आपका अलवाज़ फी उसूल अल फिक्स डॉक्टर सलमान अल अशकर की वाज ब्यूटीफुल बुक, और अल वजीज़ तो वैसे भी वन ऑफ द टफेस्ट बुक है, मतलब उसमें तो पूरा कानून मिल जाता है आपको और हर मसले के ऊपर पूरी उसूल फिक की हर इस्तलाह के साथ जो है, कभी मिस्र के कानून के अंदर जो मुसलमानों ने पहले किया और क्या क्या उसमें एग्जाम्पलीफिकेशन है, तो इसको भी हम कंसाइज करना मुश्किल काम था। मेरे ख्याल से कि तहसीर मुस्तलाह अल हदीस जो है कि हदीस की जार्गन्स प्रीरेक्विजिट हदीस को पढ़ने और समझने से पहले जो प्रीरेक्विजिट उसूल चाहिए होते हैं वो उसूल हदीस होते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ हदीस, तो तहसीर मुस्तलह फिक नहीं था, उसूल फिक फिक की नहीं थी, कहते नहीं थे उसको, जैसे तहसीर मुस्तलह के अंदर उसूल हदीस और मुहद्दिसीन की इस्तलाहात सारी आ जाती थी ना, ऑल द टर्म्स एंड द जार्गन्स बीइंग यूज्ड बाय द जॉइंट मुहद्दिसीन ऑफ दैट टाइम व्हेन यू रीडिंग हदीस, ये वाला एलिमेंट जो था ना उसूल फिक वाला, ये तहसीर मुस्तलह फिक ही है एक लिहाज से कि उसूलीन और उसूल फिक वालों की इस्तलाहात क्या है, तहसीर उसूल फिक आ गई मार्केट में, अब आ गई है मेरे अब देखें आपको ज्यादा पता होगा हम तो इन्वॉल्व नहीं फिक आपसे ही शौक जो है हमें तो पंडाल शंडाल की तरफ आपने आगे कर दिया है हमारे क्यों लेफा भाई हमें तो हमें जलसे जुलूसों में आपने खड़ा कर दिया पढ़ने पढ़ाने का काम तो अब ये कर, तो अच्छा ये आ गई अब तहसीर मुस्तलह फिक और इसमें ये हाकिम महकूम फी सब बिल्कुल जो है ना काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुआ, तो इस पे इसको भी कंसाइज करने में इन 10 सालों में 8 सालों में बहुत, असल में जो सबसे बड़ी इसके अंदर जरूरत थी कंसेशन करने की वो ये थी कि लोग कमिट करते हुए डर रहे थे यार 8 साल में कमिट किस तरह मैं करूंगा किस तरह मुकम्मल, ये बड़ा क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना इनका माइंडसेट जरा अगर समझे ना तो इस तरीके से वो आगे की जर्नी भी साथ देख रहे होते कि मैं करूंगा किस तरह, असल में मसला ये है कि देखें मैं फ्रेमवर्क की बात कर रहा था ना, फ्रेमवर्क का मसला ये है जैसे मेरे साथ जो है ना बहुत से मेरे स्टूडेंट्स को शुरू में मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत हुई, मैं जब आया ना इस माहौल के अंदर भी और इस सिस्टम में एजुकेशन के और एकेडमिक्स के, उस टाइम पर जिस तरह भी पढ़ाया गया ना, मतलब एक किताब है इबारत चल रही है एक उस्ताद मफहूम खोल रहा है बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह से कि कलमे की 3 इकसाम है, एक है जो जमाने के साथ कैद है, एक है जो बगैर जमाने के कैद है,
ठीक है, और जिसके अंदर ये दो नहीं है फलान नहीं है तो वो तीसरी बन जाएगी, वो हर फिसर व्हाटस एवर। तो मैंने ना उस टाइम पर कंप्लेन तो नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई लव्ड इट। लेकिन इस जिद्दत का एक मसला ये हो गया कि इसने लोगों को ना एक सोचने का पैराडाइम और उनका ना कंडीशन कर दिया कि भाई जब तक के फ्लो चार्ट नहीं होगा, जब तक के पॉइंटर्स नहीं होंगे, जब तक के आपकी जो ये क्या कहते हैं इसको, इफ यू डोंट हैव दिस पावर पॉइंट नहीं होगी, जब तक के वो समड अप समरी नहीं होगी, या आप पहले ये नहीं बताएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या। हालांकि ये सब हमारी कुतुब में भी है, मुकदमे में सब मिल जाता है, किताब में क्या फलां इम्कान। तो मेरा जहां तक ख्याल है इसको उस फॉर्मेट में लाने के अंदर भी बड़ी तकलीफ, मुश्किल मसला था ये कि आपने किताब को उस करिकुलम, अब आप वेस्टर्न करिकुलम पे लाना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि बीच में कहीं ये आए। तो मेरे ख्याल से 8 साल के अंदर, अब जैसे विरासत पे भी तुमने बड़ा हाथ डाला था मेरे ख्याल से, विरासत में सिराजी पढ़ाई जाती है मदारिस के अंदर, एक किताब थी वैसे, हाँ, तो वो हमने सिराजी को, इसको वैसे अंग्रेजी के अंदर क्या कहते हैं, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इस्लामिक पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ भी कहते हैं, इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ, पर्सनल लॉ, बल्कि मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल, अच्छा वो दूसरा, वो तो अलग है, वो ब्यू तो अलग है, वो तो ACCA चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर लोग को, हाँ, नहीं मैं क्योंकि एक दफा मुझे याद है कि शायद मैं ये फिकुल ब्यू पढ़ा रहा था कहीं पर, तो वहां पे एक बंदे ने बोला कि यार ये जितनी भी शराइत आप बै के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक ट्रेड को लिजिट होने के लिए जो चाहिए होती, ये तो सारी आइन में लिखी हुई। मैंने कहा अच्छा जी, हमें तो यही बताया गया आइन सिर्फ पहली शिक के अंदर इस्लामी है, बाकी हर जगह गैर इस्लामी है। तो उसने कहा नहीं नहीं सरकार, हमारे यहाँ हुदूद ऑर्डिनेंस भी है और भी चीजें हैं। तो हमें इससे भी बड़ा अल्लाह ने एक्सपोजर दिया कि हम टेली भी बहुत करते रहे कि कौन सी दीन की बातें कौन सी आइन के साथ भी नहीं। बहरहाल तो आप बात कर रहे थे कि मतलब दिस 8 years हैड बीन टफ रिगार्डिंग रिसर्च, बहुत मेरे हिसाब से 9000 घंटों को देखें, एक बिल्कुल अगर मैं कुरान फहमी कोर्स के अंदर ले आता तो बहुत आसान था। अच्छा, उनका मेथड ये उसूल वगैरह और ये प्रिंसिपल नहीं, इतना नहीं रहा हमेशा, कुछ नहीं है वो सिंपल। असल में देखें हमारे यहाँ जितने भी इस्लामिक कोर्सेज थे ना, वो दो किस्म के थे पूरे पाकिस्तान इंडिया के अंदर। एक था प्रॉपर आलिम कोर्स जो कि 8 साल आपने लगाने थे मदरसे में, सैक्रिफाइसिंग योर बिजनेस करियर जॉब स्टडीज कन्वेंशनल स्टडीज एवरीथिंग। अच्छा जरा एक सेकंड रुक जाएगा, ये इसी जुमले में मैं जरा अपने इंस्टा के भाइयों को कह दूं यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम जी एवरीबॉडी एंड होप यू आर एंजॉयिंग दिस सैटरडे नाइट विद ऑल ऑफ अस, जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप भी हमारे साथ हैं तो अपना सवाल जवाब रखिएगा, आज हम बैठे हैं इंशाल्लाह आपके साथ वक्त गुजारने के लिए। प्लीज शेख गो अहेड। तो उसके बाद मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ दो किस्म के कोर्सेज पाए जाते थे, एक 8 साल का पूरा दरस निजामी था और दूसरा 6-6 महीने के, 4 महीने के, 3 महीने के, वो कोर्सेज थे जो बिल्कुल बेसिक कोर्सेज थे। उसके बाद ना आप उसको पढ़ा सकते हैं, ना आप इन डेप्थ कुछ समझ सकते हैं, वो बिल्कुल सरफेस लेवल नॉलेज थी उसके अंदर, और थोड़ा सा आप दीन भी करिए। चलें मैं इस पर आप पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर सकता हूं अगर आप इजाजत दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं थोड़ी तनकीद, नहीं मैंने ये भी, आप गुड मुस्लिम एटीट्यूड के साथ क्यों नहीं एजुकेशन में आए, इतनी ये वाला काम करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने जब 7-8 साल पहले, अब 10-12-15 साल हो गए फील्ड के अंदर, एवरीबडी वॉन्टेड कि भाई एक अच्छा मुसलमान बन जाए, उसका कैरेक्टर अच्छा हो जाए, वो परफॉर्मेंस में अच्छा हो जाए, वो ऑनेस्ट हो जाए, वो सच बोलता हो, वो मार्केट में किसी का हक नहीं मारता हो, उसके अखलाकियात अच्छा है, मामले होते हैं। तो आप यही स्कूल्स भी इसी बेसिस पर बनाए गए, ठीक है उसमें थोड़ी बहुत कुछ लोगों ने अरबी डाल दी, कुछ ने थोड़ा बहुत तफसीर के कोर्सेज डाल दिए वगैरह, तो ये जो आपने ये वाला रूट क्यों नहीं लिया गुड मुस्लिम्स या अ बिट फहमे कुरान सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आपने मतलब ये इतनी हैवी चीजें क्यों इस वाले में डाली, क्योंकि आप अधूरा नहीं छोड़ रहे एक आदमी को। शेख इसमें सबसे पहली बात तो ये है, नहीं व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग दिस इन द मार्केट व्हेन आप एक सिंपल फहमे कुरान या दौरे कुरान या इस तरह का सिंप्लीफाइड वर्जन एक पूरे कुरान से गुजार के एक जनरल कैनवस खोल के लोगों को पता चल जाता भाई कि अल्लाह की हमसे डिमांड क्या है, ये वाला करने की क्या जरूरत थी? इस पे एक कॉल से मैं थोड़ा स्टार्ट लूंगा। हाँ, गो अहेड। हाँ, गो अहेड। जा अन्नास फिद दुनिया, लोग आए दुनिया में, वखरजु मिन्हा और वो दुनिया से निकल गए। अच्छा, वमा ज़ाकू मा अत्यबु फीहा, और उन्होंने वो नहीं चखा जो सबसे बेस्ट था दुनिया के अंदर। चलें देखें ये तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, एक इसमें एक पर्सपेक्टिव है
कि असल में बात ये थी कि जो फहमे दीन और बिल्कुल बेसिक कैरेक्टर बिल्डिंग का था उसका फायदा तो बहुत है, कैरेक्टर बिल्डिंग अगर होगी मुसलमानों की तो ही आपको जो है वो आगे आप प्रेजेंटेशन अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर सकेंगे। लेकिन जहां पर प्रिंसिपल्स की बात थी और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मनवाने की बात थी और एस्टैब्लिश करने की बात थी और लोगों के सामने दीन का वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि दुनिया के अंदर आज एप्लीकेबल है, वो नमाज रोजा ज़कात हज तक रह गया था। ये हम जो इसके अंदर लेके आए हैं, जब उसूल फिक्र और मकासद शरिया और मसाले मुरसला और बाकी सारे उलूम जो हैं, जिसके अंदर आपने जर्नलिज्म की बात की पिछले क्लास पिछले सेशन के अंदर और बाकी उलूम की बात की, उससे ये दीन की प्रैक्टिकलिटी यानी कितना डायनामिक है ये दीन, किस तरह से आज अप्लाई हो सकता है दीन, वो सारी चीजें इसके अंदर स्पेशली आई हैं, जिसके जरिए आज दीन उसी तरीके से जिस तरह मॉडर्न साइंसेज हैं, जिस तरह वहां पर हार्वर्ड के अंदर रिसर्चेज हो रही हैं और दुनिया के लिए मुफीद है और जो दुनिया के लिए आज भी हल प्रोवाइड हो रहा है, कि आज का मुसलमान इन उलूम को पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंटली ये कह सके कि नहीं यार, हमारे बड़ों ने काम किया है, हमारा दीन वो हल वो सॉल्यूशंस पेश करता है। दूसरा हमारा एक बहुत बड़ा जो था वो ये भी था ना कि वी वॉन्टेड टू क्रिएट लीडर्स। बिल्कुल। और क्यादत जो है बगैर इल्म के नहीं आ सकती। बिल्कुल नहीं। और सिस्टम के अंदर अगर आप ठीक है अच्छा मुसलमान होना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि ईमान की दौलत से गलबा नहीं आएगा, अंतुम अलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, मगर ये वाली आयत भी थी ना, फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन। असल मेरे ख्याल से जो आप मिस आउट कर गए वो ये था कि आज से कोई 12-13 साल पहले हमने इस पर गौर फिक्र जो की थी वो ये था कि अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरह तौबा में कि सबके सब ना निकल जाओ लड़ने के लिए। ठीक। हर ताइफे में एक फिरका होना चाहिए, मतलब हर सोसाइटी के एस्पेक्ट के अंदर। मेरे ख्याल से आप ये ओरिएंटेशन में खोलते हैं ज्यादातर, लेकिन आज हम आवाम के सामने भी लेके आ जाते हैं कि ओरिएंटेशन का सिलसिला चल ही रहा है। वैसे ओरिएंटेशन की डेट जो है 2nd है इंशाल्लाह, उससे पहले ही बहुत सारी ओरिएंटेशन जो है वो हो जाएंगे। फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकत मिनहुम ताइफा, कि तुमने हर ताइफे में से एक फिरका बनाना है। ये वो फिरका नहीं है जो लड़ाइयों वाला फिरका होता है या इख्तलाफ वाला फिरका होता है, यानी तुमने सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट जो उनका एक नेचुरल डिवाइड है उसके अंदर जो है वो तुमने एक ग्रुप बनाना है, लिया तफक्कहू फिद्दीन, जो दीन की इन डेप्थ फिक को उसकी गहराई को उस इल्म को सीखे। क्यों ताइफा भाई? तो पॉइंट यहां पर यह है, इसलिए साइंटिस्ट हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, औरतें हो, बिजनेसमैन हो, नर्सेस हो, पॉलिटिशियंस हो, आपके जो हैं वो सोशल वर्कर्स हो, आपके सोशल एक्टिविस्ट हो, आपकी सोसाइटी के अंदर जो है मजदूर तबका हो, हर जगह पर अल्लाह ने कुरान में कहा है कि उनके अंदर से ऐसे लोग उठा के तैयार करने हैं जो ये गुड मुस्लिम और नॉर्मल मुस्लिम वाला उसका ना हो, लिए तफक्कहू फिद्दीन, वो दीन की इन डेप्थ नॉलेज रखते हो। ये क्यों है? सो दैट यानी मौलवी साहब इन तबकों से भी हो, मतलब आप मौलवी देखें, मौलवी फाजिल एक डिग्री होती थी, आप ये मौलवी के लफ्ज को जो आज सोसाइटी के अंदर आपने खराब किया है ना, ये एक डिग्री का नाम होता था एक जमाने के अंदर, एंड इट वाज अ वेरी रिप्यूटेड डिग्री बैक जब अंग्रेज भी यहां गालिब होकर बैठा हुआ था। तो मतलब आपने उलमा और स्कॉलर्स और थिंक टैंक्स तैयार करने हर सोसाइटी में से, सूरह तौबा की आयत है रेफरेंसेस अगर कुछ लोग जानना चाहें इस आयत का, तो ये हमारा मिशन और विजन का एक पार्ट था कि सोसाइटी से हर एस्पेक्ट से स्कॉलर बनाने की, या कम से कम स्कॉलर नहीं तो उस तक की स्कॉलिस्टिक अप्रोच तक जाने वाले लोग और ऐसे थिंक टैंक्स तैयार होने चाहिए। वाय इसकी क्या हिकमत थी? इसको अगर आप करना चाहें तो आई वॉन्ट यू टू टेक द फ्लोर, मतलब हर सोसाइटी के एस्पेक्ट से उन्हीं के बीच में से बंदा तैयार कर उनके ऊपर काम करे, वाय ताकि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो सके। एक जैसे फॉर एग्जांपल ये बड़ी हम एग्जांपल देखते हैं अपने घरों के अंदर कि हमारे जो घर के अंदर वॉचमैन वगैरह चौकीदार वगैरह होते हैं, इनसे अगर आपने बात करनी हो और आपने इनको दीन समझाना हो, आपको इनके लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी। आप वही बात जो उसी की बिरादरी का या उसी के रहन सहन के मुताबिक लाइफस्टाइल के मुताबिक कोई बात समझाएगा वो फौरन ले लेता है। नहीं आपने किसी भी, मैं देखे हम तो नफ्सियात भी पढ़ाते हैं, मोटिवेशन और स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजी भी चली जाती है, आज कुछ सवाल है मुज़ैफ़ा उस पर भी ले लेंगे, आज इंशाल्लाह लंबा लाइफ करेंगे, वील इंशाल्लाह ताला आई विल टॉक टू द नेशन एज मच एज वी कैन। हाँ सैटरडे नाइट हमारे साथ है इंशाल्लाह ताला, हम अपने आपके साथ हैं, आई होप एवरीबॉडी इज एंजॉइंग द शो। क्यों वाब भाई माशाल्लाह से हम चाहेंगे वाब भाई के लिए भी सब दुआ करें, माशाल्लाह ही इज स्ट्राइविंग रियल हार्ड, He is running the show, mashallah se. May Allah bless him and preserve him for bringing this to the public. So,
इसकी वजह है कि जो वो कन्विंस कर सकता है ना अपना आदमी अपने को, अब इंजीनियर इंजीनियर से बात कर रहा होगा तो उसको वो जो बैरियर है, देखिए नफ्सियात का बैरियर है लोगों के बीच। बिल्कुल, पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज आपके यहाँ बहुत होते हैं, मेरे ख्याल से वकी साहब ने भी बहुत बड़ा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स लाहौर के अंदर लॉन्च किया। मैं ये भी अनाउंस कर दूं, आई थिंक वकी उस्ताद वकी अली इज राइट नाउ हिटिंग सम रियली गुड कोर्सेज इन लाहौर, और लाहौर के लोग और पंजाब के लोग अगर उससे फायदा उठाएं तो समझ लें कि हमारा अच्छा खासा मगज और अच्छा खासा दिल और हमारा अच्छा खासा जो जो जूस है तरबियत और इल्म का और जो उसका वो हमने वकी को दिया है। तो इफ यू वांट टू टेक माय मेंटरशिप आई थिंक यू शुड गो टुवर्ड्स वकी अली एज वेल, ही इज एन एक्सीलेंट मेंटर एंड एक्सीलेंट उस्ताद। क्योंकि हम ये समझते हैं नफ्सियात में अदील भाई के कम्युनिकेशन बात का, आप अभी आप कराची सारी जिंदगी, हुज़ैफा भाई आप कराची रहे माशाल्लाह से और आप अल्हम्दुलिल्लाह मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कितना मसला होगा पंजाब के अंदर है, वो और बात है कि पंजाब लव्स यू लॉट माशाल्लाह से कंट्री हैज वर्क लॉट विद यू, लेकिन बैरियर आया होगा ना आगे हूँ ऐसे तो पंजाबी नाल गल करेंगे तो चेंज होके आया है बिल्कुल चेंज हमें लग रहा है कि पंजाब का ही हो गया। बहरहाल बिसाइड्स दैट लैंग्वेज मैटर्स, प्रोटोकॉल मैटर्स, डिसिप्लिन मैटर्स। तो वो जो शुरू में आई एम कमिंग टू, वो जो शुरू के अंदर जो वो लैंग्वेज तोड़, वो तो बैरियर तोड़ना होता है ना, जैसे पब्लिक स्पीकिंग का पहला उसूल ही है कि आपने जो मुकर्रर होता है ना, आज जितने भी लोग कह रहे हैं जी मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, ये बड़ा सवाल आता है मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने, और भाई वो आदमी किसी मजमे को किसी जलसे को किसी कौम को खिताब ही नहीं कर सकता अगर वो नफसियात नहीं समझता। तो जो स्पीकर का रोस्ट्रम पे या पोडियम पे या स्टेज पे आने का जो पहले 3 मिनट्स है ना, उसके अंदर उसने गिरानी है आवाम, वही मौका है उसके पास, दैट्स इट। उसके बाद शटर डाउन होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद फिर आवाम के पास। हाँ, आवाम के पास तो बहुत कुछ होता है, कुछ जगहों पे तो टमाटर अंडे भी होते हैं। पॉइंट ये है कि ही हैज टू डू दैट। तो अगर अल्लाह कह रहा है कि दीन की बात, प्रिंसिपल नॉलेज, उसूलों की बात, अहकाम की बात, अकीदे की बात, नजरियात की बात, स्पिरिचुअलिटी की बात, कलेक्टिव इज्तिमाई इंफरादी रूहानी जिस्मानी सियासी, इतनी मुश्किल बातें अगर लोगों ने करनी है तो बैरियर टूटा होना चाहिए। इसलिए आप सल्लम को भी 40 साल उनके अंदर रखा, बैरियर कितना तोड़ा, आपका एक प्रेजेंटेशन करवाई लोगों के आगे। तो इसलिए हर हमारा मेरे ख्याल से एक बड़ा मिशन यही रहा है कि हर तबके से जो है वो स्कॉलर्स तैयार हों, ना हो तो उनको समझने वाले लोग तैयार हों, जब उनको ट्रांसलेट कर सकें भाई कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप ये भी रहा, तो आई थिंक इट वाज द नीड के शायद हम ये एक गुड मुस्लिम करिकुलर से एक टेक्निकली साउंड रासखुना फिल इल्म वाली अप्रोच के साथ आते, और अल्लाह ने हमें इसमें माशाल्लाह सक्सेस भी इन 8-10 सालों में बहुत दी। शेख इस पे एक आयत भी है कुरान की, सूरह इब्राहिम की है, सूरह हिजर की है, इन्ना अंजलना इलैकल किताब फीही, कि हमने आप पे कुरान नाजिल किया, हमने आपकी तरफ अल्लाह के नबी आप कुरान नाजिल किया, लितुखरिजन नास मिनल ज़ुलुमात, ताकि आप निकाले लोगों को अंधेरों से रोशनी की। किताब ये इस तरह आयत इस तरह भी हो सकती थी, इन्ना अंजलना इलैकल किताब लियुखरिजन नास, किताब निकाले, अल्लाह ने किताब भेजी लेकिन निकालेंगे आप उस किताब के जरिए, यानी जो यानी आप कह रहे हैं बयान करने में, आप कह रहे हैं सेल्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए, ये भी एक देखें कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के हैं, आप कह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी नहीं होनी चाहिए, उस्ताद ही होता है ना, मन लई सलह उस्ताद, देखें चलो अब हम छोड़ देते हैं यहाँ पर आपको, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर के ऊपर आप कहें जी 16 उलूम 17 उलूम सीखने हैं, तो ये तो थोड़ी ज्यादती नहीं हो जाएगी आपकी कौम की तरफ के, आप कहते हैं जी कुरान खुद कोई पढ़ ही नहीं सकता, लेकिन हम कहते हैं कम से कम दुनिया की बड़ी से बड़ी किताब पे हाथ डालने से पहले वो कहते हैं जी इससे पहले ये पढ़ लें, कैलकुलस से पहले कॉलेज अलजिब्रा पढ़ लें, कैल 2 से पहले कैल 1 पढ़ लें, तो दुनिया की सारी टेक्निकलिटीज और डाइवर्सिटीज और डायनामिक्स को समझने के लिए कोई प्रीरिक्विजिट नहीं होगा। अल्लाह ने सूरह फातिहा शायद नाजिल ही इसलिए की है कि आपको एक प्रीफेस मिल जाए फातिहा द ओपनिंग, इस किताब में क्या क्या होगा। बहरहाल तो 10 साल करिकुलम डिजाइनिंग, सिलेबस मेकिंग, और क्या क्या करते रहे अदील साहब आप इन 10 सालों में? ये तो एक इल्मी मुझे पता है आप सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन नहीं नहीं
लेकिन ये तो इधर का जो इल्मी एकेडमिक्स जितने भी हमारी हैं उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो था सफा। अच्छा आप पहले बता दें, हम तहदीसे नेमत के तहत ये सब खोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, ताकि उनको पता चले कि कौम के ये बेटे कौम और मुल्क की और उम्मत के लिए क्या करना चाहते हैं। और कौन से मैदान मारे आप मौलवियों ने? एक बात है we have been in the on the social media since the last 10 11 12 years. हमारी तकरीरें आ रही हैं, कहीं पे हम लेक्चर दे रहे हैं, कहीं पे आपका पंडाल सजा हुआ है वहां पे आपकी तकरीर हो रही है, कहीं पे दरस व तदरीस हो रही है, कहीं ये पिक्चर्स वीडियोस आ रही हैं, लेकिन हमने इन सालों के अंदर आवाम से कोई बात ही नहीं की हम कर क्या रहे, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज मतलब क्या मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कि नहीं तो उसको भी वो तो एक बिल्कुल के ओकेजन आ रही हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ऑल टुगेदर वो सारे कंपाइल होके एक अवाम को पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है, मतलब कि बाय द एंड ऑफ द डे हम एक अवाम को सोल्यूशन क्या दे रहे हैं, किस चीज की सोल्यूशन दे रहे हैं, कहां पहुंचने का कह रहे हैं, क्या विजन दिखा रहे हैं। तो आप ही बात करेंगे ना, आप सवाल उठा रहे हैं, सवाल है आपसे, नहीं ये सवाल आप उठा रहे हैं तो आप ही जवाब दें, नहीं मेरा सवाल आप ही फंसेंगे ना फिर के अब शेख साहब की तकरीर जो है वो एक वायरल हो जाती है तो पूरी अवाम जो है उसका किबला हो जाता है कि जी ये मोटिवेशनल स्पीकर, फिर सफर मोटिवेशन एक हमेशा जरिया था, आज हम आपके आगे खोल देते हैं, सवाल कंप्लीट नहीं हुआ फिर उसके बाद नहीं नहीं फिर उसके बाद शेख उसके बाद अभी एक महीने सफा की जो है मार्केटिंग चल रही है तो आधा सोशल मीडिया इस तरफ आया था कि जी आलिम का कोर्स और दीनी और फुल उलूम जो है शरी उलूम यहां से मिल रहे, उसके बाद रमजानों के अंदर क्योंकि आप सब जो है वो तेज आंधी की तरह खर्च करते थे तो आपके जो है वो कुएं थरपारकर के अंदर और जो है राशन ड्राइव्स और ये तो मतलब के व्हाट इज इट ऑल अबाउट, मतलब के राशन ड्राइव्स वेलफेयर देन यू नो आलिम कोर्स एंड देन मोटिवेशनल स्पीचेस देन योर टूर्स What's happening actually? So ये मेरा सवाल यहाँ पे जो है ना end होता है आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह that was my question. Well देखें बहुत सी चीजें जब आप शुरू करते हैं ना मेरे ख्याल से एक विजन ही होता है, हुज़ैफ़ा हुज़ैफ़ा आज आपके सामने नहीं होंगे, हुज़ैफ़ा आज दूसरी टेक्निकलिटीज भी हैंडल कर रहा है लेकिन हम उसके साथ भी बात करते रहते हैं। एक कमेंट आ गया, शेख विजन बताया, शेख अदील ने जबरदस्त सवाल पूछा। अच्छा जी नहीं देखें पहली बात यह है कि विजन सबके पास ही है, सभी काम कर रहे हैं उसको लेके जी कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, हम जन्नत में चले जाए। फमन जहजिया ने नारी वाउ खिलल जन्ना फकत फाज, जो आग से बच गया और जन्नत में दाखिल हो गया वो कामयाब है। ज़ालिक अल फौज़ अल कबीर, ज़ालिक अल फौज़ अल मुबीन, ज़ालिक अल फौज़ अल अज़ीम, तीन है ना, कबीर अज़ीम और इल्मी बात, इल्मी थोड़ा सा चस्का दें को जरा। बिल्कुल अल्लाह ताला मौसूफ़ के साथ सिफत जब लाता है, सिफत मौसूफ़ के अंदर सीगे बदलता है यार, वैसे तफसीर के क्या ही मजे थे है? जब पढ़ना पढ़ाने का वक्त होता था हम लोग दौरे तफसीर करने गए छतवी साहब के पास रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह, तो हमारे एक शेख ने वहां पर खोला कि वो सूरतें जो मुबीन के साथ शुरू होती है ना इसका मतलब है कि इसमें अल्लाह ताला उनका जो रद्द करेगा मुखालफीन का वो नकली दलाइल से करेगा। कौनी दलाइल? कौली दलाइल होंगे, नकली दलाइल होंगे, मतलब अंबिया वगैरह और इसके किस्से, और जिसमें हकीम से कर शुरू करेगा ना इसके अंदर अल्लाह अकली दलाइल से रद्द करता है। क्या क्या लेवल है लोगों ने क्या क्या नहीं किया कुरान पर। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था कि रिपीट कर दूं लोगों के लिए, एक नुक्ता दिया शेख साहब ने तफसीर के, जो हमारे चाहने वाले स्टूडेंट्स हमारे जो सफा के यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी सूरत ये शेख साहब के उस्ताद जो थे वो कहा कर, उन्होंने जो है वो उस वक्त बताया था कि जो भी सूरत हकीम के लफ्ज से स्टार्ट होगी यानी हकीम का लफ्ज आ रहा होगा, अनजलना हो किताबुन मुबीन से होगा या किताबुन हकीम, अगर ठीक है हकीम से होगा तो वो नकली दलाइल होंगे, नकली का मत नकली दलाइल होंगे, नकली दलाइल होंगे यानी उसमें जो है कुरान से इस्तदलाल हुआ हुआ होगा तौहीद से और बाकी पिछली उम्मतों से, और जो भी हकीम से सूरत की ओपनिंग होगी, हकीम से ओपनिंग हुई होगी पहली वाली मुबीन से और दूसरी हकीम से, उसके अंदर जो है वो अकली दलाइल होंगे, साइंस ऑफ नेचर होंगे, आसमान जमीन चांद सितारे। क्या तुमने ये नहीं देखा, क्या तुमने ये, अब देखें अजीब अजीब लोगों ने काम। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, मुझे तो नहीं पढ़ाई आपने तब से। नहीं ऐसी बात नहीं, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों से पढ़ी, मैं तो बिल्कुल ही छोटा सा आदमी हूँ। पॉइंट ये भी जैसे कल मैं पढ़ा था कि ट्यूनिस के अंदर
मैं उनका नाम भूल गया, बहुत बड़ी कुरान पे काम करने वाली औरत हैं, वो फौत हुई हैं कल। कल मैंने खबर देखी है एंड शी हैज डन सम एक्सट्रीमली ऑसम वर्क, जो मैंने कहते हैं ना वैसे इंसान मरने के बाद ही पहचाना जाता है, मैंने तो ये देखा है। वो मैंने कल उनके बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो उन्होंने कुरान के ऊपर इतना काम किया है। तो आज अगर कोई सर्च करे, मैं चाहूंगा कौम उनके लिए दुआ कर दे जी। ट्यूनिस की कोई बहुत बड़ी आलिमा गुजरी हैं और औरत हैं वो, एंड शी इज डन सम एक्सलेंट वर्क ऑन कुरान, और बहुत दुनिया की औरतों ने उनसे फायदा उठाया। और माशाल्लाह और भी हैं, माशाल्लाह डॉक्टर फरत हाशमी साहिबा हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। अभी निगत हाशमी बड़ा अच्छा काम कर रही है, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत करे, नूर इंटरनेशनल वाले जो हैं। तो एक कुरान का एक अपना ही जौक है, एक अपना ही शौक है, और हदीस जो है वो तो वैसे ही बड़े लोगों का काम है उसमें उसमें काम करना। तो बादशाहों का इल्म हदीस तो मतलब किस्मत वालों को। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था माशाल्लाह से अबू याया नूरपुरी जो है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनकी बेटी ने एक सनद पढ़ी थी और अपने अबू से लेके और इमाम बुखारी तक की। आई वाज रियली इंप्रेसिव माशाल्लाह से, मतलब किस तरह उसने हद सना, मैंने इससे सुना, मैंने उससे सुना। ये क्लास है वैसे हमारे दीन की के मैंने इससे सुना, मैंने उससे सुना। हमारे एक उस्ताद थे, एक दफा वो अपनी कुरान की सनद सुना रहे थे, तो उन्होंने जब आया ना कि अखबरना नबी, फिर आगे जिब्रील, फिर अनिल्लाह, तो सनद के अंदर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी थे, वो अल्लाह ताला की तरफ तक वो जाती थी। तो इट वाज सो कैरिज्मेटिक फॉर मी कि यार ये इंसान इस सनद के थ्रू माजी के लोगों से जुड़ सकता है। लौलल इस्नादु अगर सनद ना होती तो फिर हर कोई अपनी मर्जी से जो चाहता कहता फिरता, अपनी शरा करता, अपनी हदीसें लिखता, अपनी तफसीरें बयान करता। बड़ी बात है ना कि हम कोई कहते ना कि भाई सिंस 1947 सिंस 19 ब्रांड है ना एक, वो एक बंदा एक बात कह रहा है और कह रहा है मैं नहीं कह रहा, मैंने उससे सुना और उससे सुना, और 1400 साल की लीनियज पूरी बता दे। ये बात जो मैं कह रहा हूँ कोई नई बात नहीं। अच्छा आप देखें कि ईसाइयों के मजहब के खराब होने की एक बहुत बड़ी वजह ये सनद नहीं होना था। सनद नहीं होना। अब आपको जो चार डिसाइपल्स हैं ईसा अलैहिस्सलाम के, जो जिसे वो जीसस कहते हैं, जॉन, ल्यूक, गॉस्पल ऑफ जॉन, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, गॉस्पल ऑफ मैथ्यूज का चले हमने इनसाइड जोक्स यहां ना करें अभी आप। तो ये सारे गॉस्पल ऑफ जॉन जो सबसे ज्यादा मशहूर गॉस्पल है उनकी, उस जॉन की कोई सनद ही नहीं है कि जॉन कौन है। हमारे माशाल्लाह से आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ले लें, इमाम शाफी लें, इमाम मालिक लें, इमाम ताऊस लें, इमाम अल हसन अल बसरी लें, जो है इमाम इमाम शोबा लें, इमाम शाह ये आपके इमाम शाबी ले लें आप, तो बड़े बड़े जो लोग कदावर लोग गुजरे हैं, इब्राहिम नखी ले लें आप, आपको सब पता चल जाएगा आज के भाई की फला 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 फला। नहीं खाली ये नहीं पता चलेगा कौन था, इसने जिस जिस से पढ़ा उनके भी नाम है, जिस जिसने इससे पढ़ा उसके भी नाम है, और कहाँ गया, कहाँ कहाँ सफर किए। यानी इमाम तिर्मिजी के हवाले से उस दिन मैं ऐसी किसी को बता रहा था, तो उसमें उलमा ने बताया कहाँ कहाँ सफर किया और कहाँ कहाँ नहीं किया, जहां जहां मुहद्दिसीन करते हैं। ये वाला शौक जब जिसको लग जाए ना कि भाई एक रावी के बारे में जो हदीस नरेट कर रहा है, आप तो उसूल हदीस पढ़ाते रहे उज़ैफा भाई, आपको तो पता होगा, इमाम बुखारी अगर उसके बारे में खामोशी इख्तियार कर ले तो उसका हुक्म जो है वो तो जिस गया उनके चले ये ना कहें कि गया, बहरहाल उसके उसकी इमाम बुखारी का सुकूत और साइलेंस किसी नरेटर के ऊपर, इमाम अबू दाऊद का जो सुकूत और साइलेंस है किसी नरेटर पे, मतलब बंदा कहे यार। जो मुझे तकलीफ हुई थी ना असल वो ये थी कि यार इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा निजाम तालीम का, इतनी बड़ी सल्तनत इल्म की, और आज मतलब 100 साल के महक्कीन या 200 साल के महक्कीन, ये कार्ल मार्क्स आ गया, ये लेनिन आ गया है, ये बड़े बड़े कम्युनिस्ट के चैंपियन, कम्युनिज्म के चैंपियन, ये सोशलिज्म के, ठीक है उन्होंने मुफक्किर मुफक्किर ही होता है एक लेवल पर, इंटेलेक्चुअल तासुब से नहीं देखता किसी को, लेकिन रद्द करता है तो फिर अपने उसूल से करता है। लेकिन हम 1400 साल से अभी भी आप उलमा के किसी ग्रुप में अगर मौजूद हैं उनकी बहसें देखें, तो अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था इजा कब्बरा फकब्बिरू के ऊपर, ये जो फकब्बिरू की फा जो है ये फौर है या तराखी है, नहीं इस पर वो बात चल रही है कि मैं वहां पर बैठ के देख रहा हूँ, किसी बहुत बड़े आलिम ने वहां लिखा हुआ था उस मजमुए में, ये फा जो है ना
تعاقب مع الواصل کیے. اول تو یہ لفظ ہی سن کے اگلا ہل جائے. فتعاقب مع الفاصل. واصل. واصل. مطلب یہ اس کے پیچھے جو تعاقب ہوتا نا کہ اس کے پیچھے والے کو آگے والے کے ساتھ, مطلب یار ایک فا کے اوپر ایک من کے اوپر. شیخ اسی طرح جو بامسہو بروسکم کی جو با ہے اکبر, کہ مسا کرو اپنے سر کا. اب اس با کے اوپر ایک حضرت کہہ رہے ہیں کہ تبعیض کا ہے, یہ کیا تبعیض کا ہے؟ بعض کہہ رہے ہیں زائدہ ہے, بعض کہہ رہے ہیں کہ جی تاکید ہے. ہاں کس طرح تو جس کو یہ لگ گیا نا, جو تاکید کہہ رہا ہے وہ پورے سر کا مسا کرے گا, جو تبعیض کا با کہہ رہا ہے وہ کچھ سر کا مسا کرے گا, اور جو زائدہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا با سے. بہرحال حدیث آ کے اس کو سالو کر دیتی. وہ تو یہ ڈفرنس آف اوپینین سے اشکال نہ کریٹ کریں آپ. سر عربک یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کبھی کبھی کیوریوسٹی کریٹ ہو کے بولیں گے میں کہاں جاؤں, ہم بولیں گے صفا میں. چلے ماشاء اللہ حذیفہ آپ بھی آ گئے کیمرے کے اندر, تو آپ بھی قوم کو سلام کر دیں ماشاء اللہ سے. وہاں نہیں کرنا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ کلاس نہیں ہے کہ جتنے بھی ڈفرینسز ہوئے ہیں وہ آج بھی حدیث سے سالو ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہو جاتے. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نفسیات آ گئی سامنے, نفس آ گیا کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے. دلیل تو سالو, دلیل سالو ہو جائے, نفس سالو نہیں ہوتا. نفس سالو نہیں ہوتا, نفس کہتا ہے میں کیوں مانوں. تو پوائنٹ ہم لیٹس کمنگ بیک ٹو دا تھنگ واز کہ ہمارا ویژن کیا تھا, ہم کیا کرنا چاہتے تھے. بہرحال تو جب انسان شروعات کرتا ہے نا کسی چیز کی, تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے اسپیسیفیکیشن میں تحریک کیسی شکل اپنا لے گی. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم, اب آپ بھائی آپ سے بھی ہم بات کر لیں, الگ آپ کیمرے کی سیٹنگ میں بہت لگے ہوئے, تو شروعات میں صرف ایک سوچ تھی کہ کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے. اور یہ ہر کسی میں ہوتا ہے, اور بہت لوگ بہت کچھ کر گئے, الٹا سیدھا بھی کر گئے, سیدھا بھی کر گئے. کچھ کرنا ہے, مطلب اگر ہم فٹ ان ہونے والے ہوتے تو کیا امریکہ کافی نہیں تھا یار رکھنے کے لیے؟ لوگوں کا ڈریم ہوتا ہے میں ایک دفعہ پہنچ جاؤں گا. ہاں مجھے لگ رہا ہے عدیل بھائی آپ کہیں پہنچ ہی نہ جائیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت تو تبلیغ کے لیے ہر جگہ جا رہا ہے. ٹھیک ہے دعوت, چلے ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, دیار کفر میں دعوت تبلیغ کے لیے جایا جا سکتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ دیٹ وازنٹ انف, کیونکہ فطرت مانگ رہی تھی کسی چیز کو. اور جب ہمیں حق پتہ بھی چلا اور جب ہم نے دیکھا یار اصل تو توحید ہے, اصل چیز جس کے لیے اسلام آیا وہ تو توحید کا عقیدہ تھا کہ جو شرک ہے اللہ کی صفات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ کی عبادت میں ایک انسان ایک مخلوق کو کھڑا کر دیا جائے, اللہ کا حق بانٹ دیا جائے بتوں کو, صنم کو, وثن کو, پتلوں کو, تصویروں کو, انسانوں کو, بزرگوں کو, اور نام ٹائٹل دے کے بڑھا دیا جائے اس کو, اور اللہ تعالیٰ کا حق جو اس کے آگے عاجزی تذلل اپنانے کا تھا وہ نکل گیا. یہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ جہادی یہی تھی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں بھائی کہ یہ دنیا فانی ہے, اور اگر اس کو رول کرنے کا حق ہے تو وہ صرف اور صرف ان کا ہے جن کے پاس یہ ڈیوائن ٹیسٹمنٹ ہے, یہ نالج ہے. تو پہلے تو ہمارے سینس میں یہی تھا کہ بھائی کام کرنا ہے کچھ نہ کچھ. پھر آنکھیں اور طریقے سے کھلیں, ملک کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, امت کا حال دیکھا, ماشاءاللہ سے اپ گریڈ, ایسے عجیب اپ گریڈز ہوئے ہوئے تھے اس کے اندر. تو اس وقت دیر واز نو تھنگ ان اٹ عدیل بھائی کہ میں فلینتھروپسٹ بھی بن جاؤں گا, میں ویلفیئر کے اندر بھی آ جاؤں گا, میں کریکولم. ہم تو صرف چاہتے تھے بھائی کیا کریں. تو ہم نے سب سے بڑی جو بیماری دیکھی نا وہ یہ تھی, سب لوگ کام کر رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں. ہمارا تو بہت چھوٹا موٹا سا کام ہے, بہت بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں, بڑا بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن سب متفرق ہیں. وہ انرجی ایک تعصب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہے. وہ انرجی اور وہ جو پوٹینشیل اور وہ جو نیوکلیئر چل رہا ہے ہر چیز کا, وہ ایک سسٹم کو کر رہا ہے. اور دکھ کی بات ہی وہ سسٹم, اور بہت جگہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا کام, وہ کام پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا. وہ کام امت کا نام لے لیا جاتا ہے تو پاکستان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور لوگ جو پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ امت کو سائڈ میں پھینک دیتے ہیں. کوئی صوبے کے لیے کر رہا ہے تو وفاق کے لیے نہیں کر رہا.
विफाक के लिए करता है तो सूबे के लिए नहीं करता, सूबे के अंदर करता है तो अपने शहर के लिए करता है तो दूसरे शहर के लिए नहीं करता, दूसरे शहर के लिए करता है तो एक तहसील के लिए नहीं करता, तहसील जिले के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, इंटीग्रेट जिला तहसील के साथ नहीं। फिर आप कहेंगे शेख साहब आप तो सियासी बातें शुरू करते हैं, द एसेंस नहीं, एक मतलब लोगों ने काम कर रहे हैं, लोग ऐसी बात नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन वो तासुब था, वो एक तासुब भी महसूस होता था और उसके अंदर लोगों ने जेन्युइन इखलास वाले लोग भी आते, ऐसी बात कहना कि भाई हम ही काम कर रहे हैं कोई और नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, बड़े बड़े लोग गुजरे। तो हमारा जो मकसद था फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये था कि भाई इसकी आगाही आए मगर आसान तरीके से आए और सिस्टम के अंदर लोगों को जो है वो इजी एक्सेस मिल जाए इसका, एक दफा उसको आदत लग गई ना सीखने पढ़ने पढ़ाने की, एक बार उसको आदत लग गई ना इसकी डेप्थ जानने की, तो अच्छा जिनको लगी वो इसी को पढ़ने पढ़ाने के अंदर इन्वॉल्व है, उनका कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट ही कुछ नहीं, जो मैंने पिछली दफा कहा था तामीर ही कुछ नहीं। तो जब हम इसके बाद इस फील्ड में आए, हाँ भाई हमारे पास अल्लाह ने थोड़ा इल्म का असला दे दिया है, आप चले मुकाबला करते हैं, तो बड़ा रद्द किया हमने एक जमाने के अंदर। तो जब हम वो करते 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 कि वो रिचर्ड डॉकिंस तक कहानी चली गई, एथियस्टों के इमामों तक मेरे हमारे मुनाजरे जब हुए, उनके साथ तो नहीं हुए, उसके कोऑर्डिनेशन के साथ, मुझे कोऑर्डिनेटर के साथ मुझे याद है मुनीब सुहेल का एक दफा मुनाजरा हो गया था, वो जो नॉटिंगहम मलेशिया से हमारे पास आया था, तो एक आर्ग्यूमेंट जो वो देते थे ना वो पीटना बड़ा मुश्किल था। वो कहते थे कि यार पानी के नीचे व्हेल मच्छी, व्हेल मछलियों को जो प्रेजर्वेशन की बात कर रहा है गोरा कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट वेस्ट पे आया आज से 8-9 साल पहले जब हम दूसरे तरीके से कर रहे थे कि वो गलबा इस्लाम है, वो भी था और आज भी है, अल्लाह ताला इस्लाम को दे गलबा, हम चाहते हैं, एक हमारी फिलॉसफी है, हम मानते हैं इस्लाम इज द मोस्ट जस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड जो लोगों को जस्टिस सर्व कर सकता है, लेकिन इमेज की इतनी तबाही लगी हुई थी, इमेज वो सो डिस्टॉर्टेड। उसमें मुझे एक ने कहा कि भाई फॉरेस्ट प्रेजर्वेशन की बात कर रहा है गोरा कर रहा है, बॉटनिकल दुनिया की प्रेजर्वेशन की बात कर रहा है गोरा कर रहा है, ग्रीन वर्ल्ड प्रेजर्वेशन की बात कर रहा है गोरा कर रहा है वेस्ट कर रहा है, विमेन राइट्स की बात कर रहा है गोरा कर रहा है भाई वेस्ट कर रहा है, राइट्स को बात करते 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 वो कहते हैं आप तो ट्रांसजेंडर पर बात ही नहीं करते, हम उनके राइट्स पर हमने तहरीक शुरू कर दी आगे से, कि अगर इस दुनिया के अंदर दो जेंडर के बीच में भी अगर कोई अल्लाह की तखलीक है, आपने उनके राइट्स की प्रेजर्वेशन पे क्या बात की, आपकी सोसाइटी के अंदर तो उनको बहुत डिग्रेड तरीके से किया जाता देखा है, आपकी आवाज कहां है, द दीनदार तबका द रिलीजियस पीपल, आप उनके राइट्स पर आपने इतनी, आप राइट्स के चैंपियन बनने वाले लोग हैं तो क्या काम है आपका उनके ऊपर। हम सुन के हमने सुनना शुरू किया, ठीक है ठीक है, हम एक लिबरल स्टांस है जो वेस्टर्न लिबरल स्टांस भी है उसको रद्द करते हैं कि भाई ये आपने तो लिजिट कर दिया इसको होमोसेक्सुअलिटी को, लेकिन आपका मतलब आप राइट्स के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा पांडा प्रेजर्वेशन की बात हो रही है गोरा लगा हुआ उसमें, टाइगर प्रेजर्वेशन की बात, मतलब दुनिया में वो जुल्म और ज्यादती का बाप गर्म करता रहा लेकिन हुकूक की बात करता रहा, मुसलमान अदल इंसाफ की बात करते रहे मगर हुकूक की बात के ऊपर ब्रांडिंग ही नहीं है। आते बहुत स्ट्रांग है जी हुकूक हुकूक लिबाद हुकूक अल्लाह हुकूक, तो क्या उस बिल्ली को, अदील साहब बिल्ली को पानी ना पिलाने के ऊपर जहन्नम मिल सकती है और कुत्ते को पानी पिलाने पे अल्लाह ने मिल सकती है, और ऐसी मतलब ऐसे फेल करने वाले इंसान को माफ किया जिसके हमारे जन्नत का तसव्वुर नहीं, उसे बात भी नहीं। अब आजकल आप फहाशी के ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं और हर इंसान से गलतियां होती हैं, हर इंसान के अंदर ऐब होते हैं, मैं किसी को डिफेंड भी नहीं कर रहा हूं ना ही किसी को ऑफेंड कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में एक एहसास था ऐसा। अच्छा फिर आपके यहां एक अजीब नुक्ता चल रहा है, हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा हुकूकुल्लाह माफ नहीं करेगा, ये किसने कह दिया आपको? अल्लाह के हक में आप शिर्क करें, अल्लाह के हक के अंदर आप कुफर करें, अल्लाह का हक आप बांट दें तो अल्लाह ताला से आप कहते हैं जी लेवरेज मिल जाएगी, हक्कुल्लाह या माज अतदरीमा हक्कुल्लाह अल इबादी वमा हक्कुल इबादी अल्लाह, वो ठीक है लेकिन इंसानों के हुकूक जो है ना उस पर अल्लाह बहुत सख्त है। आपने रिवर्स है, रिवर्स चला दिया उसूल। एक हदीस आती है कि एक शख्स जो है जब जहन्नम के अंदर एक शख्स को अजाब दिया जा रहा होगा कि चक्की के अंदर उसका सर पीसा जा रहा होगा, तो बहुत सारे जहन्नमी जमा हो जाएंगे और कहेंगे यार तुम्हें क्यों अजाब मिल रहा है इतना, तुम तो हमें अच्छी बातें नहीं बताते थे। तो उस जवाब देगा मैं तुम लोग सबको अच्छी बातें बताता था, मैं खुद अकेले में जाके जो है खिलवत में उस पर अमल नहीं करता था। तो यानी ये बंदा हुकूक उल इबाद अदा कर रहा था
हुकुल्ला ही बात, हुकुल्ला अदा नहीं, लेकिन दोनों पे सख्त पकड़ हो सकती है, लेकिन अल्लाह की अगर क्लियर है ना, मन कौला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नत, दखल अल जन्नत, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में क्लियरेंस मिलेगा, तौहीद में क्लियरेंस लेगा, शिर्क की उसकी शिर्क बिदात से बचा हुआ होगा, फिर आगे बात होगी सारी, ठीक है। तो ये मदर टेरेसा की सारी नेकियां जो ना दुनिया में अल्लाह ने दे दी है उसको, आखिरत के अंदर उसके लिए वमा लहू फिल आखिरती मिन नसीब, मिन नसीब या मिन खलाक, उसके लिए आखिरत में फिर कुछ भी नहीं है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि हम जब चले तो हम तो यही सोच लेके चले कि भाई इल्म, रास्ते में हमें पता चला कि भाई यहां पे तो तामीर ही कोई नहीं है, मुसलमान इतना हैवी दुनिया को कह रहा है भाई कि खिलाफत का एक निजाम होना चाहिए, गवर्नेंस का एक निजाम होना चाहिए, जस्टिस का एक निजाम होना चाहिए, रियासत मदीना के नारे लग गए, तो मुसलमानों का एक ब्रांडिंग इमेजिंग पर कि भाई हम चला सकते हैं, हमें मिलेगा तो हम चला सकते हैं, हम संभाल सकते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु की जो फिक्र है हुकूमत की, मतलब आए काम ही नहीं, एकेडमिक बहुत काम है, आज भी इतना काम होगा किसी भी मसलक से आप उलमा उठा लें। मैंने उस दिन आर्टिकल देखा कि लेटर्स रिटन बाय टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लेटर्स रिटन बाय उमर रजी अल्लाह तआला अनहु टू द गवर्नर्स। आई जस्ट सॉ वन बुक ऑन मक्तबतु शामला अल इदारा, अल इदारा द डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय इन द टाइम्स ऑफ द प्रोफेटिक ट्रेडिशंस, अल्लाहू अकबर, के डिपार्टमेंट्स बनाने का फन अल्लाह के नबी के दौर में आपने कैसे सिखाया उसको? ये पोस्ट सफा कोर्सेज हैं सारे। हाँ चले आप बेच लें थोड़ा सा सफा यहाँ पर नहीं अगर अरबी आती होगी तो ये जाके पढ़ लो, मतलब भाई शामला ही देख के आदमी हिल जाता है कि 18,000 किताबें, फिर अभी 20,000 25,000 लाइब्रेरीज के। तो हम जब चले साथ में, बात को मैं शॉर्ट करता हूँ, मैं चाहूंगा मैं क्वेश्चन आंसर सेशंस भी लूं, हमें लूप होल्स दिखते रहे क्योंकि हम मुतासिब नहीं थे। अदील भाई एक्सेप्ट किया हमने, हमने अपनी हार भी एक्सेप्ट की और हमने कहा नहीं यार, अगर आप सल्लम दुनिया के अंदर एक इंकलाब लेके आए और उन्होंने हर फैसे डोमेन का ख्याल रखा, जिसमें या उमेर मा फालन नुमेर वाले का भी ख्याल रखा कि बच्चा डाउन था, अब इसमें थोड़ी सी बात, आप सल्लम पे कम स्ट्रेस होगा कोई बशरी तकाजे के तहत? बहुत स्ट्रेस था, पूरी दुनिया को इल्म पढ़ाना है, पूरी दुनिया के अंदर जो है स्कॉलर्स तैयार करने हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो है आपने तौहीद को इल्म देना है, आपने अपनी एक पूरी बेंच को पॉलिटिक्स सिखानी है, रिफॉर्म सिखाने हैं, पेरेंटिंग पेरेंटिंग सिखानी है, बच्चे कैसे पालने सिखाना है, अदलिया का निजाम देना है आपने, आपने जो है उनको जो है वो माशरती निजाम देना है, सोशल रिफॉर्म्स देना है, आपने क्या क्या नहीं करना इस पूरे के बीच में। मुशरिकीन मक्के से अलहदा थ्रेट्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया अलहदा लॉबिंग आपके खिलाफ कर रहा है, हरकुल वहां पर पूछ रहा है, यहां पर फारस वाला थोड़ा सा इनसिक्योर हुआ हुआ है, लोकल प्रोविंसेस से अलहदा से आ रही है, लोकल कबाइल जो है आपके जो किंदा वगैरह के ट्राइब्स हैं वो अलहदा जोर तोड़ कर रहे हैं, अपने अलहदा शहीद भी हो रहे हैं, जंगे भी चल रही हैं, मामलात भी चल रहे हैं, निसाक मदीना भी चल रहा है, ट्रीटीज भी हो रही हैं, कॉम्पनसेशन भी चल रहा है, उसके बीच के अंदर अपनों से कभी गलतियां भी, मतलब मामला Things are happening in all different aspect, और उसके बीच में जब आदमी, अच्छा फिर आपकी बेगमात है, आपका उनके साथ मामलात है, यू आर रनिंग अ कंप्लीट पैकेज ऑफ थिंग्स विद फॉर इस्लाम, यू आर रनिंग अ ब्यूटिफुल पैकेज विद ऑल द एस्पेक्ट्स इन हिज लीडरशिप, और उसके बीच में एक बच्चा आपने देखा कि उसका छोटा सा परिंदा जो है वो इट वॉज वो परिंदा फौत हो गया, तो आप सल्लम ने सोचा कि यहां पर एड्रेस करना बनता है, यहां पर एड्रेस करना बनता है, क्योंकि आप जानते थे आपने लोग तैयार करने हैं, आपने एक टीम तैयार करनी थी, आपने दुनिया को एक सूरज, एक आफ्ताब को एक आफ्ताब दिखाना था, आप सबने कहा या उमेर मा फालन उमेर, आप शायर नहीं थे लेकिन आपने वहां शायरी की, आप आए उसके लेवल पर, आपने मतलब लुक एट वॉट ही वॉज डूइंग, आपने एक सोसाइटी का, बल्कि मैं मुझे लगता है आज मैं एक बड़ी बात करता हूं जो लोगों को सुन के हिल जाएंगे, ये परस्पेक्टिव आपने सुना ही नहीं होगा आज तक, कि यहूदियों को काब बिन अशरफ को एक्टिवेट करके मुसलमान औरतों के ऊपर और उनके कैरेक्टर के ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कैंपेन यहूदियों ने मदीने में क्यों चलाई, उसकी वजह यह थी, द बेसिक रीजन फॉर दैट वॉज, क्योंकि अगर हम इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज ए कंपनी भी लें अपनी, कि मतलब इस्लाम एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के साथ लें, तो इस्लाम से दूसरी आइडियोलॉजीज इसकी कंपेरेटर्स हैं, यहूदियत हो गई, ईसाइत हो गई, मजूसियत हो गई, ज़ोरास्ट्रिज्म हो गया, बुत प्रस्ती हो गई, पेगनिज्म हो गया, तो ये मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज थी ना जो ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी को और ह्यूमन माइंड के मार्केट को उस टाइम पर केटर कर रही थी, रिलीजन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, तो उसके ऊपर यहूदियों का सबसे बड़ा स्टांस क्या था, भाई सारे पुराने अंबिया किसको मिले, हमारी यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट है,
रोटेशन हो रही है। अच्छा चलें, दैट्स गुड। यूनिक सेलिंग पॉइंट किसका है? आगे जी, सारे अंबिया हमारे, सारी किताबें हम पे नाजिल हुई, सारे अरब्स नोमैड्स जो हैं वो हमसे आके फतवा लेते हैं, बड़ा उसका डिवाइन बुक नॉलेज सारी हमारी। लुगत के ऊपर, अरबिक के ऊपर उनकी सरदार क्या कहते थे, अरबों का नाज तो गए, हमसे बड़ा कोई कलाम के ऊपर कोई चीता ही नहीं हो सकता, वी वर द बेस्ट ओवर देयर। तो जब इस्लाम ने आके सारी डोमेन्स को, आज मैं मुसलमानों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि भाई उस दौर के मुसलमानों ने कभी भी कोई डोमेन नहीं छोड़ी। इसलिए आज मुझे, जब मैं सही बुखारी को भी खोलता हूं या सुनन अरबा को मैं खोलता हूं, सुनन तिर्मिजी, सुनन नसाई एंड ऑल दीज बिग ग्रेट बुक्स, हर सब्जेक्ट पर एक बाब मिलेगा आपको मुहद्दिसीन का। क्यों? इस्लाम छोड़ता ही कुछ नहीं था। आपने हुदूद हो, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, आपने अखलाकियात हो, आपने अदब हो, आपने टीचिंग हो, और फिर उसमें सही बुखारी में इमाम बुखारी ने जो बाब, मैं कहता हूं कि मेरे ख्याल से पूरी कंट्री को, मैं कहता हूं और हर मसलक के आलिम को मेरी ये दावत है कि आप एक एक बड़ा कोर्स रखें सही बुखारी के जो अबवाब हैं, जो तबवीब हुई हुई है उसकी, द टाइटल, द वे दे हैव बीन टाइटल्ड, उसके अंदर जो सब टाइटलिंग चल रही है, फजल फजलुल इल्म, किताबुल इल्म के अंदर फजलुल, आप उसके ऊपर एक कोर्स कराएं। अंदर की हदीसें नहीं मैं कह रहा जो 4000 प्लस हैं बगैर तकरार के, आप सिर्फ अबवाब के ऊपर एक कोर्स कराएं ना, और कौम को बताएं कि सही बुखारी के सिर्फ अबवाब के ऊपर गुजरने वाला आदमी भी जो ना इल्म का एक बड़ा शह सवार, किस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने उसके अंदर बाब बांधे, दैट्स एन एक्सीलेंट नॉलेज। तो वो सारी चीजें ये बताएंगी कि भाई इस्लाम ने हर एरिया को एड्रेस किया, और जब इस्लाम हर एरिया को एड्रेस कर रहा था, हर डोमेन को एड्रेस कर रहा था, इज्तिमाई, इंफरादी, रूहानी, पर्सनल, इंटरपर्सनल, इंट्रा पर्सनल, और सोशल, जुडिशल, इकोनॉमिकल, मैरिटल, सारे एरियाज को, इंसान की स्पिरिचुअलिटी में भी, साइकोलॉजी में, इमोशनल एंड को, और आपके आइडियोलॉजिकल एंड्स को हर जगह जब केटर कर रहा था, तो यहूदियों ने कहा इनको गिराएं कैसे, नबी है ला, और आमन रसूल वाली आयत आ गई, बिल्कुल ला नफर को बेना हद में रसूली, रसालतें सारी आपने ले ली, किताबें सारी आपने ले ली, ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम का टाइटल आपने ले लिया, द लास्ट प्रॉफिट और द लास्ट लिनियज ऑफ द प्रॉफिट वो भी आपने ले ली, किसी नबी को मैंने कोई दो नूर ऐसे हैं जो मैंने किसी नबी को नहीं दिए कभी भी, नेवर एवर, फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें ये आपने ले ली। तो आप तो क्लेम करते गए, क्लेम करते गए, क्लेम करते गए, इस हद तक के उन्होंने अपना एक बड़ा फायर बॉम्ब मारा कि चलें ठीक है आपको नबूवत मान लेंगे, आप तीन सवालों का जवाब दे दें, असाब सूरह कहफ आ गई, आपने तीन सवालों का जवाब दिया, ज़ुल्करनैन आपने सॉल्व कर दिया, असाब कहफ आपने सॉल्व कर दिया, तो उनकी इतनी सड़ना शुरू हो गई, दैट वाज दे आर गेटिंग सो, ये वॉर स्ट्रेटजीज देखें दीन के नजूल के अंदर, कि जब आपने क्लेम किया तो आप एकेडमिक क्लेम कर रहे थे ना पहले, और कंस्ट्रक्टिव क्लेम्स कर रहे, यहां तक कि उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारा कैसे नबी है, तुम्हें ये वॉशरूम के आदाब भी सिखा रहा है, ये मैंने इक्तदाउ सिरातुल मुस्तकीम जो है ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की किताब में, कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम को कॉपी करता है वो उन्हीं में से हो, इसकी शरह के अंदर इमाम साहब लेके आए ये वाली रिवायत कि भाई ये कैसा तुम्हारा वॉशरूम मैनर्स भी तुम्हारा, तो फिर नहीं ये कैसे नबी है, तो ये नहीं था, तो उस पर फिर साहबी ने जवाब दिया आवर प्रॉफिट इवन टीचेस अस द एटिकेट्स ऑफ इवन गोइंग टू द वॉशरूम, अल्लाहू अकबर, हमने कोई डोमेन नहीं छोड़नी, और उसके अंदर भी ते आपने मेडिसिन भी क्लेम कर दी, तिब्बे नबी, ठीक है, आपने आते साथ ही नबी साहब ने बोला कि एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खुराक, और फिर अभी एक बहुत बड़े पाकिस्तान के अंदर वो एक आलिम भी है, पता नहीं कौन है, मेरे ख्याल से मैं डॉक्टर साहब का नाम भूल गया, जिनकी बड़ी क्लिप वायरल हुई थी कि पानी को किस तरह पीना चाहिए ना, सांस रोक के वो मुझसे, और फिर आपने मेडिसिन में, डॉक्टरी में, आपने हिकमत, अच्छा स्ट्रेटजीज, हिकमा सही, आपने पूरी डोमेन बताई है भाई उसके अंदर कि दुश्मन को डील करने का तरीकेकार कैसे होगा। इसलिए यहूदियों ने प्रोपेगेंडा बनाया आगे से कि अब हम क्या करते हैं, इनको कहीं से गिरा नहीं सकते ना, एक छोटा सा शोशा फेंक देते हैं। तो मेरे ख्याल से आज हम सबको ये मैसेज दे दें, खुला मैसेज, जब लोगों के पास आपको रद्द करके, आपको जलील करके, आपको फेंकने का कोई मौका नहीं मिलता ना, तो तब आपके ऊपर बड़ी गंदी गलीज ब्रांडिंग शुरू होती है कि एक हल्का सा शोशा फेंक दो तो लोग इनके पास आएंगे नहीं। वो शोशा क्या था यार, लोग ठीक हैं, बस इनकी औरतों के हवाले से जरा आप देखें। तो जो सिस्टम मदीने का भी था ना, मैं हम मूवीज बनाने के तो अभी कायल नहीं है,
अगरचे ये तो उलमा का ही फैसला है कि वो डिसाइड करेंगे, लेकिन अगर इस्लाम को विजुलाइज करके दिखाया जाता तो हम मदीने के, हम लोगों ने ज्यादातर ना टेक्सचुअल इस्लाम पढ़ा हुआ, उसको विजुलाइज नहीं किया हुआ। ठीक, जब हम विजुलाइज करके देखेंगे ना तो वो सियासतें, वो हदीसें फिर जब विजुअल फॉर्म में आएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि वहां बातें चलती थी। हाँ ठीक है, लोग अच्छे हैं, मदीने में एक नई पार्टी आई है, बड़ा काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, बस ये कि हमने देखा है कि जरा ये चीज का ख्याल रखें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उन्होंने फौरन पकड़ लिया कि ये हमारे ब्रांड की सैंक्टिटी की जड़ें काट रहे हैं। अभी किसी को हमारे खिलाफ भी कुछ अल्लाह हिफाजत रखे, दुनिया में हर शख्स जो काम कर रहा होता है ना उसके खिलाफ आपको हासिद और नाकिब तो मिलेंगे मिलेंगे। कुछ नहीं मिला ये शोचा फेंक दो, कुछ नहीं मिला ये शोचा फेंक दो, और अगर कुछ मिल भी जाए किसी को तो उसके ऊपर जो सिर है उसका जो सिर है वो छुपा के नहीं रखना। और ये हर जगह चलता है। तो जब तो उनको मौका मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सात आसमान और सात जमीनें ऊपर से जब दुनिया मेराज से होके आए तो आप सल्लम हदीस में आता ना कि ही वाज अ बिट वरिड। तो अगर हमें तो यहाँ एक फरिश्ता दिख जाए हम तो फूले ना समाएंगे कि यार एक सुपर नेचुरल चीज खुल गई। उनको पता था ना कि आगे बीबीसी बैठी हुई है। मैंने आगे से यहां बोलना है कि मैं इतनी देर के अंदर अल्लाह से बात करके आया हूं जो किसी को दुनिया में मूसा अलैहिस्सलाम के बाद और उनसे पहले यहां से छह महीने का सफर अलग, फिर सात आसमानों का सफर अलग करके आया हूं एक रात के अंदर। तो वो उनको पता था ना कि आपको पता था आगे ऑपोजिशन कैसी खड़ी है, तो इसलिए जब बताया तो अबू बकर तो अबू जहल और पहले अबू जहल टकर के आगे से तो आपने सच अल्लाह अबू बकर पैदा करता है। वमा यंतिक, आज अबू बकर सिद्दीक के ऊपर एक बात हो जाए जी, बड़ा जुमला आज हम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में बयान करते हैं कि सिद्दीक अगर इस कायनात में कोई हो सकता है तो वो अबू बकर हो सकता है। सहाबा की शान में इससे बड़ा जुमला आज नहीं आएगा, वो ये है कि जब अबू जहल को पता चला कि भाई नबी नबी वमा यंतिक अनिल हवा इन हुआ अल्लाह वही हुआ, नबी सल्लम के जुबान मुबारक से शहद सी ऐसी मीठी जुबान से अगर कोई जुमला निकल सकता है तो वो अल्लाह की तरफ से ही होगा, वो अपनी जात की तरफ से नहीं बोल सकता। रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पहले पूछा था कहा नहीं, लेकिन जब अबू जहल को पता चला कि नबी अकरम सल्लम ने ये क्लेम दिया अब नया, तो वो क्लेम असल में ये क्लेम्स की जंग थी ना, इस्लाम ने आके क्लेम किया भैया आखिरत भी हम बताएंगे दुनिया भी हम बताएंगे। ये दीन दुनिया की तफरीक करने वाले लोगों को मैं कहूंगा भैया इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल है, कुरान और हदीस में दुनिया का भी सारा इल्म है, दीन का भी सारा इल्म है, कोई इल्म इससे बाहर नहीं। तबियान लिकुल्ली शै, फीही तबियान लिकुल्ली शै के तहत है, इसमें उमूम है बहुत बड़ा, लिकुल्ली शै हर चीज का बयान, शैन भी नकरा आगे से आपका। पॉइंट यहाँ पर ये है, पॉइंट ये नकरा मार्फा जो हम कर रहे हैं ना बीच में, ये आपका शौक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कि आप सफा के अंदर हैं। आज मैं मार्केटिंग कर देता हूँ, आज अदील भाई नहीं कर रहे। बिल्कुल आखिरी वेबिनार है, आप लोगों ने मिस नहीं करना, इसके बाद शेख साहब क्लासेस के अंदर ही नजर आएंगे इंशाल्लाह आपको। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अजीब बात कर दी इन्होंने कि हम क्लासेस में नजर आएंगे, हम दूसरे भी तरीके से आएंगे, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला ये गहरी बहसें हैं ना, हम अब एक एकेडमिक उम्मत बना, एक एकेडमिक नेशन बनाना चाहते हैं, टेक्निकल नेशन। मेरे हिसाब से शेख चार महीने तो मौका देना चाहिए लोगों को। नहीं वो दे रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उन्होंने बाय कर लिया इंशाल्लाह ताला। आगे चलते हैं की बात है। तो जब अबू जहल को पता चला कि भाई अब तो नई बात आ गई है मार्केट में सिस्टम में, अब बदनाम करने का, अच्छा अबू जहल की भी आगे से कंबख्ती ये थी, देवर ऑलवेज वेटिंग फॉर द राइट। तो आप भी हुज़ैफ़ा भाई ये बात को समझें कि जो ऑपोजिशन होती है ना वो तो इंतजार कर रही होती है कि कब गिरेंगे, कोई मुद्दा मिले तो गंदा करें इनको बैठ के, ये तो हमेशा से ऑपोजिशन में चलता आया है। तो पॉइंट ये, जिसे अल्लाह बचाए जिसे अल्लाह रखे उसे कौन। तो जब वो गया तो पहली मुलाकात अबू जहल की हो गई अबू बकर से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अभी मैं लफ्ज़न उनको सिद्दीक यानी कह रहा, ही वाज ऑलवेज सिद्दीक, ही वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को वो मिला और उन्होंने आके कहा, तो उसने ये सोचा कि सबसे पहले जिसे गिराना चाहिए ना ये मेरा नुक्ता है, ये मेरा इस्तदलाल है, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए कि पहला शख्स जिसको मुझे इस नॉलेज से शक डालना चाहिए ना, क्योंकि वो तो हर जगह होता है ना, जो हर जगह आपके बारे में जाके कह रहा होता है देखें जी मैं आपको बताता हूं ये लोग ठीक नहीं है, मैं आपको बताता हूं ये लोग ठीक नहीं है, मैं आपको एविडेंसेस से बताता हूं ये लोग ठीक नहीं है, आए मैं आपको मैं तल्लाही बिल्लाही वल्लाही कसम खा के बताता हूं ये लोग ठीक नहीं है, सर कायनात के अंदर अगर कोई शर है ना तो वो ये लोग मिलेंगे आपको, कोई खैर नहीं आपको मिलेगी इनके अंदर, दे आर द मोस्ट एब्सोल्यूट इवल इन द एंटायर वर्ल्ड इफ यू वांट, ये लोग हैं जिनके पास नहीं। तो हर जगह होते ना ऐसे दो टके के गिरे हुए लोग जिन्होंने जिंदगी में ठन्नी नहीं बनाई होती, इनको नकद के अलावा कुछ नहीं आता। अबू जहल ने प्रोड्यूस क्या किया था, प्रोड्यूस क्या किया उसने, तो उसने कहा मैं सबसे पहले बड़ा पावा गिराऊं। तो जो आप सारे लोग मुझे सुन रहे हैं ना, जो मेहनतें कर रहे हैं तरीकों के अंदर, जो जान मार रहे हैं और जिन्होंने कुछ नहीं करना होता और सिर्फ डंके बजाने होते हैं इधर उधर, वो आपके सबसे हार्ड कोर लॉयल्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे,
कुछ नहीं हो सका तो जाते हुए शक, एक ये भी कॉम मिलेगी, सुबह आएगी शाम को निकल जाएगी, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे बाद में चले जाएंगे, एक ब्रांडिंग एक बड़ी जबरदस्त बनाने की कोशिश करेंगे। सर सभी छोड़ जाते हैं इनको, अजीब सी बात है, सभी छोड़ जाते हैं इनको, है? इनकी कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा, सभी छोड़ जाते हैं इनको। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ज्यादातर घटिया लोग ही मिले, इसलिए सब छोड़ के चले जाते हैं। इल्ला कलीला, क्लास और इखलास की कंपनी जो होती है ना, अल्लाह भी कुरान में कहता है इल्ला कलीला, अक्सरहुम ला यस्मऊन, अक्सर तो कसरत, कसरत कम ही होती है लोगों के साथ, किल्लत ही थी जो हक के मियार के साथ खड़ी रही। इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकल सकता है कि भाई वो सारे इस काबिल नहीं थे कि उनके साथ रहे। बहरहाल उसने जाके अबू बकर को जाके कहा रदियल्लाहु अन्हु कि भाई अब क्या कहोगे तुम, तुम्हारे हजरत ने तो ये बात कर दी है कि मैं आसमानों पर। तो अबू बकर ने उस टाइम पर कहा क्या जुमला गया दिल भाई, आप करें आगे से कंटिन्यू, नहीं चल रहा है। मैं अबू बकर ने कहा आगे से, लेट द मुस्लिम उम्मा लिसन, हम अलल एलान अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की शान में ये जुमला कहेंगे, देयर वाज नॉट अ सिंगल मैन ऑफ द सिमिलर वेटेज एंड कंपैरेबिलिटी टू दिस मैन, अगर आज वो ना होते तो मैं कहता हूं दीन पर अगर एहसान है आपसे सलम के बाद किसी का तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को, हम तक दीन पहुंचा है उनकी वजह से। आप सनद के अंदर अबू बकर सिद्दीक को काटेंगे तो उमर से आगे दीन जाएगा कैसे अगर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु नहीं होंगे। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा, कहा किसने, अल्लाह अकबर, कहा किसने, हु हैज सेड दीज वर्ड्स, ये नहीं पूछा अच्छा ये भी कहती है, अब ये वाले जो होते हैं ना पहले से डरे हुए होते हैं, अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी हो गया, फंस गए, अच्छा ये भी कर दिया, ये भी डिपेंड करना पड़ेगा, ये भी डिपेंड करना पड़ेगा। तो ही आस्क्ड फॉर द सोर्स, किसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और नुक्ता है, मतन को चेक करने के लिए सनद का पूछा यहां पर भी, यहां पर भी एक दलील उसूल हदीस की आ गई कि क्या जबरदस्त नुक्ता है कि मतन क्या तहकीक सनद के बगैर नहीं हो सकती, पहले सनद फिर मतन पे, पहले सनद फिर मतन, जी पहले सनद, कौन कह रहा है, ये दलील आ गई कि रावी का चेक तो अबू बकर ने भी लिया था और ये कहते हैं कि जी 200 साल बाद बुखारी लिखती गई नऊज़ बिल्ला, ये कहते हैं हदीसों पे हिट मारते हैं, उस वक्त पूछा गया। बहरहाल जो लोग हदीस के मुनकर हैं, मैं भी थोड़ा सा अपना सदका जारिया डाल दूं, भाई कुरान के ये सारे जो सूरतें नाजिल हुई हैं और इनके ये बाब हैं, वैसे पहले इकरा बिस्मा रब्बिकल लज़ी आई और यहां पे सूरह फातिहा आ गई और ये वही कुरान है, और मुझे उम्मीद है पूरी उम्मत का यकीन है इंशाल्लाह कती और कतियत के साथ और तवातुर के साथ कि ये वही कुरान है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इस कुरान की कौन सी सूरत कहां है और बिस्मिल्लाह सूरह तौबा और सूरह अनफाल के बीच में नहीं है, ये सारी नॉलेज कहां से आएगी, कहां रुकू है, कहां सजदा, ये कुरान के अंदर ये सारे, इसको हजरत उस्मान ने इस पर काम किया, ये कैसे पता चलता है, हदीस की संदेह, हदीस बताती है कि ये कुरान वही कुरान। तो जो कुरानिस्ट लोग हैं जो कहते हैं जी हदीस तो कोई शय ही नहीं है, हदीस तारीख है, हदीस फलान है, हदीस ये, आप कुरान को कुरान कैसे साबित करेंगे अगर हदीस का रेफरेंस सामने नहीं आएगा कि ये वही कुरान है, ये वही आयत है और इस आयत के अंदर ये वाली आयत का ये मतलब है, ये माने, हदीस बताएगी आपको। अगर लुगत पे सॉल्व करना है, अरबी लुगत से ही कुरान सॉल्व करने का है, तो भाईजान फिर मुझे एक बात बताएं, सला, एक भाई का मैंने दर्स सुना, वो कह रहा है सलात का मतलब होता है दुआ, तो अकीमुस सलात का मतलब है पांच दफा दुआ, पांच वक्त दुआ कर लें आपकी अकीमुस सलात हो, इफ्तरा अलैहिम खमसा सलावाती उड़ा दी उसने आगे से कि अल्लाह ने पांच नमाजें फर्ज की, वाह जी फिर इस तरह तो कुरान जिसका जो माने लो। वो वाली बड़ी जबरदस्त आयत थी जो वकी ने मुझे बताई थी एक दफा कि यूनुस अलैहि सलाम जब मछली के पेट में गए ना तो उसमें लफ्ज है मुसब्बहीन वाला, क्या है लौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बहीन, लौला स्विमिंग करना, अगर मुसब्बहीन स्विमर को अरबी में सबाह कहते हैं, सबाह युसब्बिहु, हाँ, सबाह कहते हैं इस तरह, ये लफ्ज है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने एक बेवकूफ ग्रोह ने यह तफसीर कर दी कि अगर यूनुस अलैहि सलाम मुसब्बहीन सबा से अगर स्विमिंग करने वाले ना होते तो वो वेल की मछली, ये वो जो भी उस टाइम की जो ये थी मछली थी उसके पेट से ना निकल जाता। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह सुभाना का सब्बह युसब्बिहु तस्बीहन को सबा सीन बा हा के मादे और रूट के साथ छिमर बना दिया आगे से। तो कैसे लोक लगाएंगे आप कुरान में, तो हर कोई अपना निकालेगा। भाई जान ये लोक हदीस से लगता है, ये लोक, ये तफसीर तबरी खुलेगी इसके अंदर, इसमें इमाम तबरी वो संदे मिलेंगी जिस सनदों के साथ, फिर वो जो एक बड़ी अच्छी किताब है वैसे, तफसीर वल मुफस्सिर,
आठवें साल में हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें उसूल तफसीर भी है और उसमें स्कूल्स बड़े अच्छे हैं कि किस तरह हजरत अली का, अब्दुल्ला बिन मसूद का, ये कैसे स्कूल्स बने जिसके तहत कि इस कुरान मतलब किस उस जमाने में आज की तरह के हाफिज थोड़ी होते थे, आज तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जो सूरह बकरा को जानता था उसको आलिम मानते थे। अभी जो शेख जो रिसेंट अभी रिसर्च चल रही है, अब तो इतना रट्टा आ गया, कोर्स जो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह सफा के बाद, वो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिंदगी में जितने कुरान के हवाले सवाल हुए ना तफसीर के अंदर, उस पे पूरा रिसालतु माजिस्टर आया किसी का। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजर से गुजरा, मैंने फौरन से सऊदी, नहीं हमारे पास तो याद नहीं 60-70 तो कुरान की वर्कशॉप्स थी, बिल्कुल फेंकते नहीं है आप, पता नहीं क्यों शेख सफा में आए ना पहले ही तदरीज। नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला, तो मैं इस बात को खत्म करता हूं जो आपने मुझसे सवाल किया था, हम चलते गए कारवां भी बढ़ता रहा और अपॉर्चुनिटीज भी आती, तो हमारा मेन विजन ये है हम अवाम का भरोसा और अवाम का एतमाद और अपने बिल मुखालिफ भी जो नजरियात हैं उनका एतमाद लेने के लिए भी वो सारे लूप होल्स कवर करेंगे जिसके बाद जो दलील को खराब कर रहे हैं, इसलिए वेलफेयर भी आएगा, आपकी डाइवर्सिटी भी आएगी, गैर मुस्लिमों के हकूक पर भी बात की, जो हमारे चैंपियंस बड़े रहे हैं जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स को एड्रेस किया है, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के ऊपर मुकैद नहीं हो सकता, उसे पूरे सोसाइटी के अंदर फसालत औदिया तुम बेकदर है फहतमल सैलो जबदर राब, मतलब नाले जो निकलते हैं ना, अगर चाहिए आए तो शख्स बात के ऊपर है, लेकिन जो नाले एक इंस्टीट्यूट से निकलेंगे ना वो हर डोमेन में जाके अपना काम कर रहे होंगे, तो इसलिए जैसे जैसे ये 8 साल बढ़ता रहा मुझे ये समझ नहीं आई कि मैं अल मिदरार को लॉक कहां लगाऊं, अल्लाहू अकबर, आई थिंक दैट इज माय विजन, मुझे ये समझ नहीं आई कि एक रिलीजियस इदारा हो या एक इंस्टीट्यूशन हो वो कैसे लिमिट हो के सिर्फ पढ़ने पढ़ाने पे रहेगा, वो कैसे और एरियाज में अपना काम नहीं कर रहा होगा, वो अपनी एडवाइजरी वहां नहीं दे रहा होगा, वो कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए दिस इंस्टीट्यूशन विल डू बिजनेस एज वेल, दिस इंस्टीट्यूशन विल डू कॉर्पोरेट काउंसलिंग एज वेल, जो और अगर हम किसी निजाम के साथ काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको 100% सही कह रहे हैं या 100% गलत कह रहे हैं, हम सिस्टम में बतदरीजन काम करने के उनके साथ रहेंगे तो अपनी बात भी समझाने के कायल हैं, सो गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप हो, या एक्सपेरिमेंटेशन हो, या साइंटिफिक रिसर्च हो, या डिवेलपमेंट हो, या लीडरशिप स्किल्स हो, या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, या आर्ट ऑफ वॉर हो, या शंजू हो, या दरसे निजामी हो, ये सारों की इंटीग्रेशन के साथ ही अगर सारे इदारे काम करते, और एंड में ये सब कमाने के बाद अपनी दो इंट की नहीं बनाना, इसको अपने से बड़ी पावर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एक बड़े निजाम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, हकूमत को कॉन्स्टिट्यूट करें, लोग बन जाते हैं मगर बागी बना देते हैं लोगों को, लोग बन जाते हैं मगर हकूमतों से नफरत कराने वाला बना देते हैं, लोग बन जाते हैं मगर पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी पिछले दिन हर वक्त देखता हूं लोग तनकी, और भाई इस तरह से लोग बड़ों के ऊपर अगर, तो फिर अपने घर के बड़ों के ऊपर भी नकद करें, फिर बचेगा कौन, किस में खामियां नहीं होंगी, लेकिन एक पूरे एक निजाम की हैसियत नहीं, अगरचे उसमें जितनी खराबियां आप इस्लामिकली कहें, दलील वाइज कहें, शरी निजाम के लिहाज, लेकिन अभी हमारे पास एक आर्सनल तो मौजूद है ना, तो हम उस शऊर को क्यों नहीं बेदार करें, और सबसे बड़ी बात है कि एंटी काउंटर नैरेटिव, फिफ्थ जनरेशन वॉर में पाकिस्तान इज अ पिवट स्टेट जिसकी पूरे रीजन में हमारी वजह से मसला है, क्योंकि हमारी पोजीशन जियोपॉलिटिकल पोजीशन इतनी वो ऐसे, इस्लाम नीड्स टू प्रोवाइड एन आर्ग्यूमेंट, अ डिस्कशन, अ कंस्ट्रक्शन इन एवरी एस्पेक्ट, और मेरे ख्याल से मिदार के विजन को मेरी नजर में लॉक लगाने का मुझे तो कोई स्कोप नहीं दिखता, तो मैं हर वो काम करने का हामी हूं जिसके तहत प्रोग्रेशन हो, डिवेलपमेंट हो, लोग आगे आए, लोगों को एक्टिवेशन मिले, और ये 2 मिनट के अंदर अपनी गलियों से निकल के पूरी उम्मत के ऊपर ये छा जाने वाली जो सोच है ना, अच्छी है भाई, अपने इलाके के अंदर हर छोटी छोटी पब्लिक प्राइवेट लीडरशिप मिलके एक निजाम को कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो किसी जगह पे हमें ये तरबियत भी करनी है दिल साहब कि भाईजान फत्तकुल्ला मस्तता तुम, आप यही संभाल ले बहुत है, मैं आज अपने आप को देखूं ना, एक ये भी तो सवाल बनता ना भाई, मीडिया पे क्यों नहीं आ रहे, 1-8 साल से तो मेरे लाइव सेशन नहीं हो रहे, बिल्कुल आइसोलेशन में मैं कहूं को पूछे ना भाई कि पूरा रमजान आप कहां थे, हिसाब किताब क्या चीजें रही हैं, भाई आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ एंड अदर डोमेन्स एज वेल, क्योंकि मकसद सिर्फ शोहरत कमाना थोड़ी है, इधर तो किसी को शोहरत मिलती है तो सारे चैनल्स एक्टिवेट हो जाते हैं उसके, बिल्कुल ऐसे ही है, इवन आई वॉन्ट टू रन अवे फ्रॉम दिस फेम एज वेल, मैं इस शोहरत से भी जान छुड़ाना चाहता हूं,
मैं आई डोंट वॉन्ट टू बी इन द लाइमलाइट ऑल द टाइम्स. और कभी कभी एक काम चल रहा है तो उसके तहत कुछ तकाजे हैं, करने पड़ते हैं. तो तेजी मैंने देखी लोगों के अंदर जल्द कामयाब होने की, जल्द मशहूर होने की, है जल्द ऊपर आने की. तो जल्द ऊपर आएंगे ना तो जल्द ऊपर वाले से भी मिल लेंगे. जितना जल्दी आप ऊपर आएंगे ना तो जल्दी ऊपर वाले से मुलाकात है. ऊपर वाला कौन सा, ये मुराद आप और ले लें, ये आप खुद अपना निकालेंगे. ऊपर वाला भी फिर जल्दी मुलाकात करेगा आपसे. पॉइंट ये, अपना काम करें एंड डू योर वर्क. और सारे मिलके जब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ना तो एक नजरिया वजूद में आएगा. ये नहीं मुझे दिखता, इसलिए मिद्रार सारे हिलकों में, बस आखिरी जुमला उसके बाद अदील भाई यू टेक द फ्लोर, मिद्रार हर एस्पेक्ट में कबूल भी किया जाता है. इसकी एक बहुत लोग होंगे आपके ना मुनाफकत है ना जो आपको हर कोई कबूल करे, नहीं, एक टाइम पर कबूलियत ना होना ये अच्छी होती है और एक टाइम पर कबूलियत ना होना ये बुरी भी होती है. एक वक्त के बाद आपकी परफॉर्मेंसेस को लोगों को कबूल करना पड़ता है. तो इसका मतलब है ग्रोथ हो रही है ना. आपको सारी जिंदगी कबूल नहीं किया, नूह अलैहिस्सलाम की दलील लेके आप बैठे हैं, ऐसी बात नहीं होती, हर जगह नहीं चलेगी. मूसा आप थक गए मेरे ख्याल से, हैं बस अब हम सब अल्लाह की तरफ जाते हैं. विजन इज डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्ट्रक्चर, एंटी काउंटर नैरेटिव, हेल्पिंग द गवर्नमेंट्स, हेल्पिंग द कंट्री, हेल्पिंग आवर पीपल. और ऑब्वियसली बात है भाई, मैं एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के अभी थर में जब गया, थर में एक जो मुझे स्कोप मिला या थर के अलावा भी अभी बलोचिस्तान से भी मुझे लोग बुला रहे हैं प्रोबेबली अन करीब, अगर कोई जैकबाबाद वाली साइड से बैठा हुआ है तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे अच्छे माशाल्लाह हमारे मुरीद भी हैं, मेरे बहुत अच्छे प्यारे भाई हैं, सरदार ज़ादा जुबैर खान जखरानी जैकबाबाद के, उनसे तो मेरी बात चल रही है. तो जैकबाबाद और ये जो वेस्टर्न साइड ऑफ सिंध है, अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ की तरफ रुख करूंगा या बलूचिस्तान की तरफ, अब मेरी सोच है. तो हम क्यों ना जाए, और अगर अल्लाह ने हमें शोहरत दी भी है तो हम उस शोहरत से अपने लोगों का फायदा करें ना. और यही हम अपने इदारों को भी कहते हैं और दीनी मदारिस को भी कहते हैं कि भाई अल्लाह ने हमें दी है, लोग अगर हमसे प्यार करते हैं, हमें सुनने आते हैं, तो हम उसके थ्रू आपको स्ट्रेंथन करेंगे. आप इसलिए देखें, मैं हर शहर के अंदर इदारे अभी नहीं खोलता, हालांकि लोग मुझे हर शहर पर ये सवाल बहुत आ रहा है कि आप जो है वो हर शहर से मसले लोग. हाउ इज द रिस्पॉन्स टुडे बाय द वे? रिस्पॉन्स इज अमेजिंगली फाइन. नहीं, आर दे सैटिस्फाइड विद देयर ब्रदर टॉकिंग टू देम? चले आउटफिट के लिए भाई, ये तो अल्लाह ताला, इन अल्लाह जमीलन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती. चले थैंक यू जी, जजाक अल्लाह, खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए, बंदे की क्या तारीफ करें. आपको सवाल कर. अच्छा, लोग पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह से आपकी आपके इदारे की भी और आपकी भी हर शहर में माशाल्लाह फॉलोइंग है पाकिस्तान के अंदर, एंड पीपल आर विलिंग टू ओपन यू नो इंस्टीट्यूट, कि आप वहां पर भी इंस्टीट्यूट खोलें. सियालकोट हो गया, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, इस्लामाबाद हो गया, सिंध के अंदर हैदराबाद हो गया, तो क्या इरादा है शेख? हर शहर शहर जाके आपने ऑफिस खोलना ही नहीं खोलना? लेट्स टेक हुज़ैफ़ा ऑन दिस. मतलब हुज़ैफ़ा भी अपना कोई सवाल है तो इस हवाले से पटेंगे. हुज़ैफ़ा मेरे ख्याल से मार्केटिंग के लिहाज से बहुत ही सोशल रिफॉर्म, सोशल के अंदर ये बहुत ज्यादा रहा है. ये वाला सवाल के हवाले, यू नीड इट रिक्वायर सम मोर थिंग के हर शहर के हवाले से. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? शहर के हवाले से सवाल तो काफी ज्यादा है, काफी जो लोग हैं जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि मुल्तान में भी बहुत ज्यादा. मुल्तान तो वैसे बहुत आगे, बहुत अब बनता है जाना, वहां एक्टिव हुआ है आगे. जी प्लीज इस्लामाबाद में ओपन करें, इस्लामाबाद में. चलो भाई, माय क्वेश्चन टू द एंटायर नेशन, कौन कौन चाहता है कि मैं मिलना वाला. चलें जी, कौन कौन चाहता है मैं मिद्रार की ब्रांच जो है, जो इन्होंने सवाल किया, पाकिस्तान के कौन कौन से शहर चाहते हैं मैं वहां पे खोल दूं? पेशावर, सरगोधा. कमेंट्स आ गए तेज. व्हिच सिटी वांट मी टू कम टू? बांदे समाज. चले आप मुझे एक और चीज सवाल दें, कौन मुझे होस्ट करता है इसके अंदर के मैं ये जो है. इनफैक्ट अभी मैं ये भी तो अपॉर्चुनिटी खोल सकता हूं कि हम हर शहर में एक पॉडकास्ट वहां कर लेते हैं. हु वुड वांट टू होस्ट मी इन इफ मतलब ऐसे तो बहुत आपके पास 100-200 इंक्वायरीज तो आपके पास ही होंगी. आप एक दो साल के लिए चले जाएंगे, ऐसे महजूब हो जाएंगे, हम कहां ढूंढेंगे आप? दूसरी बात, घर वाली भी माशाल्लाह उसने भी बहुत किया. हम बिल्कुल भाभी के साथ. शी हैज सैक्रिफाइस्ड लॉट. उसने मुझे वक्फी कर दिया, 12 साल से कभी मांगा ही कुछ नहीं. जब आप किसी की होस्ट कबूल करते हैं तो फिर अगला वाला. ये भी है, लेकिन कमिंग बैक टू दिस थिंग, व्हाई आई एम नॉट ओपनिंग
इंस्टीट्यूट्स एवरीवेयर, और इससे मेरा प्रोफेशनलिज्म जाहिर होगा। मैंने बहुत सी बेवकूफी देखी है लोगों के अंदर कि उनको थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो हर जगह फैलने की बात हो जाती है। ये मैंने लाहौर वाला भी खोलना नहीं था, हाइडन मॉल, ये जो तुम सारों ने मुझे पुश किया और फिर सब कुछ हुआ। मैं एक तो मैं ये समझता हूं कि हर इलाके में ना बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इल्मी लिहाज से भी लोग बैठे हैं और प्रोफेशनल कोचिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री के भी लोग बैठे हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता था कि यार क्या पंजाब के अंदर ट्रेनर्स नहीं है, क्या हर शहर हर कस्बे के अंदर ट्रेनर्स नहीं है, उलमा नहीं है, मेरे एक के जाने से क्या हो जाना। दूसरी बात, अगर मैं ये सोचता हूं मुझे कराची में भी नहीं खोलना चाहिए, क्या यहां उलमा नहीं है, तो एक लिहाज से मैं हमेशा से इसका कभी कायल ही नहीं था कि भाई मैं क्यों जाऊं। ये एक्सपेंशनिस्ट सोच जो होती है ना, भाई मैं क्यों फैलाऊं, कि कोई इस तरह का एजेंडा थोड़ी है कि हर जगह से जमात बनानी है, लोगों को इकट्ठा करना है, तरीका एंड क्या धरना डालना है क्या जाके पार्लियामेंट के आगे जाके, इस तरह की मेरी सोच ही नहीं थी। आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई वर्क, मैं अपनी कौम को 100 साल के विजन, 50 साल 70 साल के विजन के साथ लेके जाना चाह रहा हूं, दैट्स इट। लेकिन एक और अच्छा, एक दूसरी वजह होती है इदारा बना लिया, ठीक है पैसा लगेगा ना। ज़िशान इज़ इनवाइटिंग यू टोरंटो, टोरंटो यस, इसको कहना कि मैं पेंसिल्वेनिया अपने दोस्तों के पास आया था, मेरे हम 5-6 लड़के थे, मैं ह्यूस्टन चला गया, वो पेंसिल्वेनिया चला गया, 5, तो एडिनबरो यूनिवर्सिटी होती थी ईरी के पास, तो आई वॉज वेरी क्लोज टू टोरंटो व्हेन आई केम टू मीट माई फ्रेंड्स। तो कनाडा कभी देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला अगर तौफीक देगा तो डेफिनेटली अपने पाकिस्तानियों को और अपने लोगों की हेल्प करने तो पहले वहां जाऊंगा। सो इट विल ओनली फॉर पाकिस्तान, आई विल गो टू दीज वेस्टर्न कंट्रीज, बाकी अभी अपने मुल्क में ही बहुत काम है करने वाला। तो आगे क्या हुआ कि एक तो मेरी ये सोच थी कि भाई वहां लोग नहीं बैठे हुए, क्या मैं पंजाब जाके क्या करूं, वहां लोग नहीं बैठे हुए, शाह साहब नहीं बैठे हुए लाहौर के अंदर। अभी तो हमारी माशाल्लाह मेरी और कासिम अली शाह साहब की मुलाकात भी हुई, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट रेंडेवू, इट वाज वेरी गुड माशाल्लाह से। तो कॉम्प्लीमेंट ही करना होता है एक दूसरे को, दूसरे आजकल माशाल्लाह डॉक्टर जावेद इकबाल साहब का है, लोग इतने पढ़े लिखे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में उठाएंगे ऐसे थिंक टैंक्स, मेरे जाने से क्या होगा, पहली मेरी सोच। ठीक है एज अ गेस्ट स्पीकर मैं चला जाता हूँ, कुछ भी होता है, बट स्टिल देयर आर, ये मेरी सोच थी रोकने वाली। दूसरी, जब तक एक इदारे को चलाने की लीडरशिप ही तैयार नहीं हुई भी, तो मैं कौम का सासा क्यों जाया कर दूं भाई, मैं पैसा क्यों लगा दूं किसी जगह पर। जब तक उस इलाके का लड़का या कोई बड़े बड़े बच्चे या बड़े लड़के जो हैं या टीम जो है या खवातीन जो हैं, जब तक उनमें से वो लीडर्स तैयार नहीं होंगे जो मैं अपने स्टैंडर्ड पे समझता हूं जिनको होना चाहिए। अभी पूरा इदारा इसके हवाले किया है ना माशाल्लाह से अदील साहब के, लेकिन एक 7-6 साल लगाने के बाद मेरा भरोसा जीता है उसने, मुझे पता है कि भाई एक जिम्मेदारी है, इसके ऊपर पैसा लगा हुआ है और इस पर काम चल रहा है और एक लोगों की अमानत है, ये ऐसे थोड़ी हो। कितने पॉइंट्स मैं उठाता रहता हूँ ख्याल रखना, अब इनका दौर है जरा बर्गर दौर है इनका, हम लोग दगड़ मार किस्म के लोग थे, हमने मैंने तो जैसे सारी जिंदगी चार्ज ही नहीं किया। अब भी अगर हम चार्ज करते हैं तो उसकी वजूहात भी आज मैं ये भी खोल देता हूँ भैया, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल्स बनाना चाह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट्स जो है, चाहे वो इस्लामिक नॉलेज दे रहा हो या गैर इस्लामिक नॉलेज दे रहा हो, सबसे पहली बात ये भाई अगर स्टेट उसको ओन नहीं कर रही और वो एक पोटेंशियल है, इंजीनियर हो साइंटिस्ट हो, अगर स्टेट नहीं उसको सपोर्ट करेगी तो वो खुद कैसे मैदान में आके। यही हमारा हाल था, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे कितने साल हो जाएगा तुमने कहा चार्ज करें चार्ज करें चार्ज करें, अपने भी लेक्चर चार्ज करें, तो वो भी भाई साफ बात है मैं क्लियर कर दूं यहां पर, वो चार्जिंग की वजह से ये थी कि इट ऑल गोज टू द चैरिटी। इवन मेरे भी अगर अब ये मैं भी हर जगह मैं अपने लेक्चर का चार्ज नहीं करता, अगर कहीं करता भी हूं तो इट ऑल गोज टू द चैरिटी ओवर हियर। तो पॉइंट ये है, जब लीडरशिप और है भी, ऐसी नहीं है कि लीडरशिप तैयार नहीं है, लेकिन अभी मुझे ये लगता है कि हर शहर के अंदर हमें एक प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू ओपन इंस्टीट्यूट इन एवरी सिटी, यू हैव टू हैव अ बेंच जो 2-2.5 साल लगाएगी हमारे पास यहां सफवा अगेन। और सफा के मैं सफा इसलिए लाजिम है क्योंकि उसको ये माइंड पता होगा कि अगर वो इदारा चला उसने कौन सी बात नहीं करनी, कौन सी गैर मियारी गैर दीनी बात नहीं करनी, उलमा के खिलाफ बात जा सकती है, हुकूमत के खिलाफ बात जा सकती है, उसको तमीज आनी चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन ने ये डोमेन्स पे नहीं बात करनी। कॉन्ट्रोवर्शियल हर करंट इशू पे मुंह दे देना, ये कोई तरीकेकार है? मतलब आई डी वॉन्ट टू एड्रेस एवरी थिंग दैट इज देयर, इट्स अ फाइन थिंग, मतलब आप ईविल को एड्रेस करें अच्छी बात है, आपका कॉमेंट भी आना चाहिए, अपने नंबर स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, आप अपना सिंपल काम करो ना भैया,
आप अच्छी अच्छी बात करो सिस्टम में। क्या हम इस बात का क्रेडिट लेना चाहेंगे अदील साहब कि हमने माशाल्लाह से 10 साल में कोई कंट्रोवर्सी पे फीड नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह, ये वैसे और मुश्किल भी बहुत होता है क्योंकि जब आप मसाला नहीं, जब आजकल सोशल मीडिया का दौर है, सब कंट्रोवर्सी, पहली चीज यही सिखाते हैं कि अगर आपने हाइप क्रिएट करनी है ना, आप कंट्रोवर्सीज नहीं, आप देखें, मैंने एक मैंने आप ये अंदाजा लगाएं भाई, हमने म्यूजिक नहीं डालना, ठीक है, हमने शशकेबाजियां नहीं डालनी अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है, हाँ जा करके एक नशीद भी आई है बड़ी मुश्किल से, और हमारी नशीद जो स्टार्टिंग में थी आज वो हर जगह कॉपी हुई है और बहुत जगह के ऊपर, उसके बाद आपने जो है कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी, ठीक है, आप एड हम एड नहीं लगा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे सोशल मीडिया के ऊपर कोई एड नहीं है अभी तक, एक आपने एक महीने के लिए शायद हमने एक 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 टेस्ट उस पर किया था, तो हमने फिर कहा कि भाई हमारा दिल नहीं मानता कि हम इसे एड्स के हम अपना काम कर, एड्स हम नहीं ले सकते, उसके ऊपर हमारा एक शरी मसला है। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे कि जो है हम उसके अंदर कोई जो है वो दूसरी वाली बात नहीं डाल सकते, कोई अजीबो गरीब बात नहीं डाल सकते, हमने हर किसी की इज्जत उछालने वाली बात भी नहीं करनी होती, तो पॉइंट ये है कि हमने वो हॉट टॉपिक्स जिसके थ्रू आपको फेम मिलता है वो करना नहीं, स्लो एंड स्टडी एक अपनी सोच के साथ कौम को डेवलपमेंट के साथ लेके गए, व्यूअरशिप बनने में टाइम लगता है, उसके बाद भी मतलब हमारा कंटेंट डिफरेंट कंटेंट है, मतलब हम फीड ऑन नहीं कर रहे भाई ये चल रहा था ये उठा के इस पर बात शुरू हो जाए, हमने एक इल्मी एकेडमिक कॉम बनानी है, दैट्स व्हाट वी फोकस ऑन, क्योंकि अगर इन मसले मसाइल और जमेलों में हर चीज की खबरों पर दिमाग चलेगा तो आदमी ने काम क्या करना है। सो पीपल, ये एक सोशल मीडिया का एक एलिमेंट, में ये भी कहूंगा भैया अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, हर चीज पे ओपिनियन देना है, हर चीज के ऊपर अपनी दो इंट की बनानी है, अपनी हर चीज पे राय देनी है, लो बी डू व्हाट, अपना काम करें, आप अपने हल्के के अंदर आप देखें, इंशाल्लाह इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए और कमेंट्स भी होने चाहिए और कंट्रोवर्सी भी डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल पॉइंट मेरा इसके ऊपर नुकता यह है, लीडरशिप तैयार ना, सफा का कोर्स मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि अगर इनको फ्रेंचाइजिंग भी करनी हुई ना कभी इस इदारे की, या इनको अगर इन्होंने कोर्स मतलब आई नीड टू नो भाई कि उसमें दीनी इल्म कितना है, उसको पता हो भाई कि इस तरह चलती हैं चीजें, मतलब पता चले हम किसी इदारे के अंदर वहां के बंदे को अगर कोई इंस्टीट्यूट हैंडओवर करने को देते हैं और वो वहां पे उससे मतलब फौरन उठा दे जी के अभी जैसे मतलब खुद कुछ हमला करना जायज़ ना उज़बिल्ल। अब ये कंट्रोवर्शियल बहस है और इसके ऊपर उलमा के कितने फतावे हैं कि नहीं करना, और जिन्होंने जायज करार दिया उनके अपनी बेसिस, मतलब ही शुड नो व्हाट इज लीडरशिप, एक दूसरा एक्सपेंशनिज्म दूसरा था, तीसरा एक एलिमेंट ये था कि भैया हो सकता है अब हमारा माइंड बन रहा हो कि भाई ठीक है अब ऑनलाइन आ गया, तो फिर भी मैं सोचता था क्या जरूरत है, लेकिन अब आई समटाइम्स थिंक एक बहुत बड़ी रीजन ये थी कि मैं पब्लिक डोनेशन नहीं लेता, मैं पब्लिक चैरिटी नहीं लेता, मैं सबके सामने आके अपने ब्रांड की सैंक्टिटी खराब नहीं करता। इट डजंट गो विद द ब्रांड, इट डजंट गो विद द ब्रांड वी क्रिएटेड इन द लास्ट 10 इयर्स, अ ब्रांड दैट हैज इट्स सॉवरेंटी, अ ब्रांड दैट इज रिस्पेक्टेड इन अ ब्रांड बाय द इज़्निल्लाह। अब मैं सब में अल्लाह 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 ही था, अल्लाह ही है, अल्लाह ने किया सबको, हमारी तो कोई औकात नहीं है टके की, अल्लाह ताला की जात है, अल्लाह की हस्ती है हमारे, मैम तो खुले गल इंसान हूं ज़ईफ़ा, वी डोंट स्टैंड अ चांस, ये सब अल्लाह करवा रहा है, और हमारी जो गलतियां अल्लाह माफ करे, आज भी हम गुनाहों से भरे हुए, आज भी हम पापों से भरे हुए, आज भी वल्लाह ही अल्लाह ही जानता है कितना अंदर गंद गलाजत होगी, लेकिन पॉइंट ये है कि हम एक ब्रांड, जो ब्रांड हम क्रिएट करना चाहते हैं उसकी सैंक्टिटी, उसकी सॉवरेंटी, उसका मतलब उसको हर हल्के में एक्सेप्टेबिलिटी और एक उसकी एकेडेमिक सैंक्टिटी क्रिएट करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ा, नहीं लिया तो भाई ये जब इदारे बनते हैं इसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, बाहर से हम फंड इसलिए भी कभी नहीं लेना चाहते भाई क्योंकि मुल्क के अंदर फिर चेक एंड बैलेंसेस के इशू हम नहीं चाहते उस तरीके से, एंड शेख आतिफ विल नॉट पब्लिकली कम एंड आस्क यू ऑल, लेकिन ये भी गम जरूर है कि भी लोगों को सोचना चाहिए कि एक माइंड बैठा हुआ, एक टैंक बैठा हुआ काम करने की कोशिश कर रहा है, अगर आई विल नॉट आस्क फॉर इट, हमने तो अपना लगा के किया, जो था लगा के कोशिश कर रहे हैं कि कौम के बच्चों का फायदा हो जाए, तो भाई मैं आज भी कहता हूं मेरा तो बस चला, मैं अपना आप भी बेच दूं अपने लोगों के लिए, लेकिन ये थोड़े बहुत भी जो लोगों को कभी कभी मेरे पास आते हैं कमेंट्स, अभी कुछ बच्चे कहते हैं डिस्काउंट दे दें, चल मेरा बस चले ना, मैं अपना गोश्त काट के दे दूं अपनी कौम को, लेकिन पॉइंट यहां पर ये है कि पॉइंट ये है भैया मेरे यहां पर मैं बहुत पिसे हुए माशरे के इंटेलेक्चुअल लोगों को जॉब्स देता हूं, माशरे के वो स्कॉलर्स और वो एकेडेमिक, चाहे वो दीनदार स्कॉलर्स हों या दुनियावी स्कॉलर्स हों,
मैं उनके लिए एवेन्यूज खोल रहा हूं, मैं उनकी यहां पे तनख्वाहें रखता हूं, मैं समझता हूं कि एक इल्म वाले आदमी की अच्छी सैलरी होनी चाहिए, उसका एक अच्छा रहन सहन होना। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह भी कहते थे कि अ रिलीजियस माइंडसेट और अ डीपर थिंक टैंक शुड बी पीसफुल, वो अपना सुकून होना चाहिए उसके माइंड में जब वो काम करे आगे से। तो भैया मैं और तनख्वाहों का स्केल बढ़ाऊंगा। एक बच्चे को हिजरत करा के लाहौर भेज दिया, वो बेचारा अकेला अपनी फैमिली के, वो वहां बैठा हुआ है। हुज़ैफा भी वहीं था, वो भी कराची आ गया, वो यहाँ की कुछ सिंध की ऑपरेशंस देख रहा है, वो मीरपुर खास में अली भवानी है, वो बिजनेस कर रहा है, साथ में ये भी कर रहा है, वो यहाँ आके फंस गया है, वो पूरी वेलफेयर जो सिंध की और बलूचिस्तान की अभी वो हैंडल कर रहा है, उसका बिजनेस जा रहा है, उसके सोशल वो मेहनत काम में सब जा रहा है। तो जब फैमिलियां हैं, बच्चे हैं, किस तरह चलेंगे ये? लेकिन मैंने आज तक पब्लिकली नहीं मांगा कभी, मैंने सैंक्टिटी रखी इस चीज की। अंदर खाते में कैसे चलता है उसमें भी कहा किसी, मतलब ये भी एक बड़ी इज्जत के खिलाफ बात होती है कि मैं कहीं जाके बोलूं जी पैसे दे दें। लेकिन किया, एक जगह मैं गया था, मुझे याद है, गलती से अच्छी गाड़ी लेके चला गया, तो उसने कहा शेख साहब आप इतनी अच्छी गाड़ी के अंदर आए हैं ज़कात की भीख मांगने के लिए। तो मैंने उस दिन, मैंने सर तो मेरा झुक गया, लेकिन मैंने फील किया कि अब मैं जिन खड़ा करूंगा ना, तो पहले ही, और मैं अपनी कुर्बानियां जाया नहीं करना चाहता फला तज़क्कू अनफुसकुम के तहत, लेकिन एक जगह इज्जत है, दूसरी जगह जिम्मेदारी है। हाँ, शेख आतिफ का सर झुकेगा कौम के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए झुकेगा तो ठीक है, मेरी जात की कोई हैसियत नहीं है, मैं बेच दूंगा अपने आप को भी। लेकिन ये चार्जेस के ऊपर मैं कन्विंस तब हुआ था कि भाई चलाना पड़ता है, खर्चे हैं, दो शहरों के अंदर ही ब्रांच का मिलियंस में खर्चा है, ये सारे बच्चे अपनी दुनिया छोड़ के, ये हुज़ैफा बैठा है यहां पर, ये आराम से अपने भाई की इदारे में, इसका भाई पाकिस्तान के सबसे रैंकिंग के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में एक है, केएनएस स्कूल के मालिक है, चला जाता वहां पर। अदील साहब है, माशाल्लाह से फैमिली बिजनेस है। सुहेब बिलाल मेरे इदारे में काम कर रहा है, उसके अब्बा का बिजनेस था। फिर अरसलान सलीम जो आपके सफा के हेड हैं, इसका अपना मेडिसिन का काम था। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं यहां पर, तो क्या पैसे नहीं दूं इनको? तो अच्छा, फिर उलमा को आप कहते हैं जी 15,000 में टरखा दो, क्यों टरखा दें हम 15,000 में एक आलिम दीन को? हम उनको अच्छे पैसे देंगे। आपके यहां कोई दुनिया का बाहर का आके हल्का सा यो फो शो करता है तो आप 4-4 लाख रुपए दे देते हैं उसको, और जिनके पास दीन की इतनी गहरी नॉलेज है उनके लिए आपके लिए लाख रुपए नहीं निकलता। तो अगर कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा, अपना आप बेच के दे दूंगा। पर इसके बावजूद भी मैं चाहता था कि एक इदारे की सैंक्टिटी हो, कि भाई मैं, इदारा पैसे देता है जकात के लिए, इदारा पैसे देता है गरीबों की फलाह के लिए, एक रिलीजियस इदारा है जो लोगों की फलाह के लिए खड़ा हुआ है। अगरचे मैं अल खिदमत के काम को बहुत इंडोर्स करता हूं जमात इस्लामी के, मैं और बहुत सी जमातों की इंस्टीट्यूशन, अभी बैतुस्सलाम वाले हैं, ये देवबंदियों का इदारा है, मौलाना अब्दुल सत्तार साहब हैं, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब व्हेन इट कम्स टू वेलफेयर, माल लगाया है उन्होंने अपनी जगह, मिदार भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला हिफ्ज़ो अमान में रखे। हाफिज सईद साहब की जमात थी, जमात तो दावा थी, कम काम है उनका, आज उनके ऊपर 3 दिन पहले हमला किया गया है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी रखे। कम जमात तो दावा ने दिया इस मुल्क को, सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी के बाद अगर कोई थी तो हाफिज सईद साहब की थी, FIF फला इंसानियत फाउंडेशन। कम जमात तो दावा ने थर के रेगिस्तानों में अपने गिट्टे घिसे उन बेचारों ने, आज उनके ऊपर ये फैटेफ की रिस्ट्रिक्शंस अपने लेवल पे हैं, अल्लाह ताला उनको बरी करे इसमें से व्हाट सो एवर। लेकिन मैं कहता हूं FIF का काम वाकई ताईद करने वाला है। हम तो जब थर में भी गए हमने तो देखा भाई काम तो उन्होंने किया हुआ है, हम तो ऊपर का ये झाग खाने आ गए यहां पर, लेकिन हम क्यों नहीं काम करें भाई? एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज़कात खोर, आप मैं जब आ रहा था ना इस तरह तो लोग मुझे कहते थे आलिम ये इल्म पढ़ के क्या बनोगे, ज़कात खोर बनोगे? तो आई वॉन्टेड टू फ्री ऑल ऑफ दिस। तो किसी भी रिलीजियस मदरसे के पास कोई हल नहीं है इन जकातों से बचने का, क्योंकि जब वो जकात देता है ना तो ये जुत्ती तो सर दे होते, वो आपके सर पे जूती रखता है कि हक नहीं बोल सकते। तो क्या कौम चाहेगी कि शेख आतिफ का गला दबा दिया जाए क्योंकि वो हाथ फैलाता है किसी के आगे? और जिन्होंने मुझे चुपके से खामोशी से कभी कुछ हेल्प भी किया, कुछ किया, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। लेकिन सबसे बड़ा इत्मीनान अपना लगाया, अपना भी लगाया, और ये बड़ा सुकून होता है कि किसी जगह जाकर जब मैं कुएं लगते हैं वहां पर, मैं करूंगा वेबिनार अली के साथ भी, अदील भाई होंगे, मैं होंगे इंशाल्लाह ताला, कि थर के हालात पर मैं बात करूंगा। तो
लोगों को शायद हमारी जिंदगी का एक एस्पेक्ट जिसके अंदर शायद गाड़ियां और ये सिलसिले ये सब दिखते हैं, ये भी इसकी अपने हिसाब किताब है। हम भूखे नहीं है इन चीजों की, हम भूखे नहीं है इन चीजों की कि हमारे साथ प्रोटोकॉल हो, गार्ड्स हो, ये गाड़ियां हो। जमीन पे सोने वाले लोग हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी कौम के लिए ना ये खून काट के गला काट के रख देंगे इंशाल्लाह एक दिन। पॉइंट ये है, गम है हमें अपने मुल्क के लोगों का, मफाद परस्ती नहीं है, तकलीफ है मुझे अपने मुल्क के लोगों की, खून जलता है मेरा पाकिस्तान को देख के अंदर से। मैं कमेंटिंग नहीं करता, मैं सोशल मीडिया से भी दूर होता जा रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, और ये लाइफ पर भी इसलिए नहीं आता। आई एम मैन एट वर्क, मैं काम कर रहा हूँ इस टाइम पर। मैं कलेजे के अंदर ना कौम आंसू है मेरे साथ अभी, मैं कलेजे में कौम का खून सुनता हूँ रोज, हजार हजार मैसेजेस सुनता हूँ मैं पाकिस्तान के रोज कि फलां बच्ची का ये मसला है, फलां बच्ची की शादी नहीं हो रही, किसी को कहीं जला के रख दिया है, जायज नहीं देने के ऊपर एक बेटी के साथ कौम की ये कर दिया गया। रोज सुनता हूं मैं अपनी आंखों से, पानी मैं पानी ठंडे पानी की देखें कौम बैठी है मुझे सर्व करने के लिए, मेरे भाइयों के पास थर में मीठा पानी नहीं होगा इस टाइम पर, और मैं अय्याशियों से बैठा हूं। ये कलेजे में फायर है मेरे इस टाइम पर जो मुझे जीने नहीं देते। तो इस टाइम पर मैं दीन पढ़ाऊं, तदरीस करूं या कौम की हेल्प करूं, और जो कर रहे हैं सलाम है उन लोगों को, सलाम है उन लोगों को। तो जिंदगी में अगर आपको भी तरक्की मिले, रूज मिले, मुल्क का फायदा करिएगा, लोगों का फायदा करिएगा, और अल्लाह पावर भी देगा, ताकत भी देगा, तो लोगों के लिए काम करेंगे हम। मुझे कोई अपनी दो खान साहब कहते थे ना कि मेरे पास तो सब कुछ था, मुझे क्या चाहिए। मैं भी छोटे लेवल पर ये जरूर कहूंगा, मेरे पास भी सब कुछ था, मुझे भी ये मारे खाने की, ये मदरसे की खाक छाटने की, ये जराबा यजरबू जरबन की मार खाने की, और ये सारे जो सुबह शाम दौरे खच्चल ख्वारियां लोगों के साथ बैठना, 12-12 घंटे के टॉक, मेरा गला सूख जाता है बात कर करके, मुझे क्या जरूरत थी इसकी। मैं सुकून से अपनी दो इंट की, और अब तो फॉलोइंग भी मिल गई, मैं दो इंट की बना के कर सकता था। दर्द है हमारे सीने के अंदर, जिगर जलता है हमारा अपने लोगों को देख के, खून फड़कता है मेरा देख के जब हमारे बारे में कोई बात करता है। लेकिन हमें भी जज्बाती बयान करने आता, और हमारी जज्बाती तकरीरें हैं, लेकिन हम अपने लोगों को बड़े विजन के साथ लेके चल रहे हैं, और हम हाथ मिलाएंगे हर किसी के साथ पूरे। आप इससे बड़ी मेरा आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि मैं हर शहर के अंदर से जमात खड़ी कर सकता हूं, हर शहर में मेरे इतने माशाल्लाह जियाले बैठे हैं कि मैं, लेकिन नहीं, मैं कोई अपनी दो इंट का धरानी बनाना चाहता। मैं जो ऑलरेडी बने हुए इंस्टीट्यूशन है मैं उनको स्ट्रांग करूंगा, मैं अपनी शोहरत से, अपने नाम से, अपनी मेहनत से, मैं जो बने हुए लोग हैं, हम तकरीबकार नहीं है, हम तकरीबकार लोग नहीं है कि मैं लोगों के इलाकों में जाके उनके हक मारूं। जो पिसे हुए लोग हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, मैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट करूंगा। हम चाहते हैं हमारे ब्रांड की ये सैंक्टिटी हो के लोग कहें अदील साहब कि यार ये खैर, ये मतलब इनसे खैर ही मिलती है। इसी तरीके से आपने अगर काम भी करना है, ले लें मिदरार का करिकुलम पूरा दे दें। आज इतनी बड़ी बात करता हूं, अभी देखें इनके ये भी घबरा जाएंगे, शेख इमोशनल हुआ हुआ मेरा। अभी मुझसे सियालकोट में एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि शेख साहब हम इदारा खोलना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं आप करें, ले लें मेरा करिकुलम, मैं खाइन नहीं हूं, ले लें जिसपे मैंने 10 साल मेहनत करके मारे खाई हैं, ले जाए मेरा करिकुलम, ले जाए सिलेबस। इन बच्चों की अगर थोड़ी बहुत कुछ मेहनतों की से मैं तनख्वाह निकाल लेता हूं उसमें से, ले जाए। एक बंदा भी अगर मैं इदार में रजिस्टर नहीं होता कोई मसला नहीं है, दीवारों को पढ़ा लूंगा मैंने। इसी तरह वो मेरा एक जुमला था ना, तन्हाइयां देखनी होती हैं लोगों ने, तन्हाइयां देखी है मैंने जिंदगी के अंदर। जमीन पे हमारे लोग, हमारे उस्ताद कहते थे तेरे को इल्म होएगा ना तो तू दरख्त के थल्ले भी बैठेगा तो तेरे को लोग आ जाएंगे। अरे इल्म का इल्म मुखलिस और गहरा इल्म दरख्त के नीचे भी बैठ जाए तो जामिया बन जाता है, आगे से वो यूनिवर्सिटी बन जाती। ये शशके, ये लाइटें, या ये बड़े बड़े सेटअप, इसकी जरूरत थोड़ी होती है। तो ले जाए, कोई मसले की बात नहीं है, कोई घबराहट नहीं, कोई एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा है कौम, लोग, उम्मत, दर्द, तकलीफ, और गलतियां हुई होंगी। मैं कौन सा कहे कि मैं दूध का धुलाऊं या हम दूध के धुलें, लेकिन बिकॉज एज द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन एंड वी आर देयर विद यू ऑन द सैटरडे नाइट, आई लव माई पीपल। दुनिया जहां के लोग बुराई कर लें, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई पीपल। मैं अपनी जिंदगी जिस हद तक भी, जिस पोटेंशियल पे, जहां तक लगा सकता मैं लगाऊंगा। मैं ये घिट्टे घिसता रहूंगा, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। सारे इदारे जितने जो मेरे मुखालिफ हैं, जो मेरे साथ हैं, ये शेख आतिफ का जो ना ये इस वेस्ट कोड के नीचे जो कलेजा इससे निकलने वाली बात है, ले जाएं आप सब कुछ। मैं कोई मुतासिब नहीं हूं कि मेरे अंदर आ जाओ और किसी से और से पढ़ने जाओ। मैं उस तरह का इल्म वाला
बंदा नहीं हूं कि कहूं कि जी उस आलिम के पास, इधर तो मैंने क्या क्या नहीं देखा, इल्म वाले बैठ के टांगे काट रहे होते हैं एक दूसरे की बैठ के, मैं से नहीं पढ़े, हर किसी से जाके तासुब को खत्म करें, जाए किसी आलिम हो जैसा भी हो, चार लफ्ज भी सिखाते एहसान रखे, हमने तो ऐसे कमजर्फ भी देखे हैं जो उन्होंने घूंट भी पिया हमारे खून का तो तब भी उनके गले ठंडे नहीं हुए, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हम और दे जाएंगे इंशाल्लाह लोगों को। तो दुनिया में मैं अपने लोगों को वो जर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला जर्फ दे के देना चाहता हूं कि एंड में व्हेन द वर्ल्ड हिट स्टोन्स एट यू गिव देम बैक एप्पल्स, जर्फ और शान लेके आए एक पाकिस्तानी बच्चा, एक पाकिस्तानी लोग बोले क्या दिया, बोले कलेजा फाड़ के दे के आया हूं मैं, लोग बोले क्या दिया, बोले गोश्त दे के आया हूं कौम को, बोले क्या किया आपने जिंदगी के अंदर, बोले एक हाथ था दे दिया लोगों को, एक टांग थी काट के दे दी लोगों को, दिस इज द पैशन आई वॉन्ट टू क्रिएट इन माई पीपल। एंड में तुझे अगर लोग लिफ्ट नहीं करा रहे, या भी लोग कहते हैं कि शेख आपकी मोटिवेशन जो है लोगों को बावला कर देती है, लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, उनको सर पैर तो होता नहीं है, फिलोसफी आप देखा क्या हो जाएगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बर्बाद भी हो गए तो क्या हो गया, अब बर्बादी भी कैश हो जाएगी किसी दिन। जर्फ होना चाहिए हमारे लड़कों के अंदर, हमारे बच्चों, हमारी बेटियों के अंदर शान होनी चाहिए उनकी, अगर जेल में भी बैठा हुआ तो एक शान से शेर बैठे रोज अप, जिसके पास अल्लाह वो तो अपनी तन्हाइयां भी इंजॉय कर लेता है आगे से। तो सफा के अंदर मेरी सबसे बड़ी दलील ही यही है, आ जा ले जा बेटा हमसे ले जा, ये कुछ भी नहीं है, ये इनके चार्जेस को उठा के सर ले जा हमसे जो चाहिए, जा राज कर दुनिया में, सल्तनतें इल्म के साथ बनाई जाती हैं, और अल्लाह तुझे और अल्लाह कौम के बच्चों में वो शेर पैदा करे कि वो बोल सके किसी को, उनकी जुबान नहीं उनकी कुर्बानियां बोलती हूं लोगों के आगे, उनकी कुर्बानियां बोलती हूं लोगों के आगे कि भाई मैंने काट के दिया अपना आप, लुट गया मर गया मैं अपनी मिट्टी अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए, दैट्स द पैशन यू नीड। और उसके लिए छोड़िए लड़कों के साथ उठना बैठना, ये महफिलें, ये दोस्तियां, शेर कभी भी कुत्ते बिल्लों के साथ उठता बैठता नहीं है, उसकी अपनी शान होती है, आज वो यूनिकनेस होती है उसकी जो उसको कहती है कि भाई वो आज पढ़ेगा कल बात करेगा कहीं पर, अल्लाह मेरे कौम अल्लाह तुम लोगों को वो इर्तफा नसीब करे जो मैं नहीं कर सका शायद जिंदगी में, लेकिन कम से कम आज सुकून इस बात का, अगर मौत भी आती है, अगर आज भी मर जाऊं, कम से कम कन्वीनियंस और कंफर्ट जोन वाली लाइफ नहीं ली, जंगे ली हैं, जंगे अपने आप से दुनिया से, मजबूरियों के अंदर भी नहीं झुका आगे। और कितने लोगों को आज भी कितने लोगों को सर पसंद है कि ये चार पांच छह इंच की गर्दन जो है ना ये थोड़ी सी हल्की हो जाए उनके आगे, तवाज़ो और आजी इख्तियार की जाती है जहां इखलास खड़ा हो सामने, बदमाशों के आगे झुकना ये कभी भी आपके हक में फेवर में नहीं जाएगा, आज स्टैंड लेंगे तो आपके स्टैंड की इज्जत होगी। तो इल्म के मैदान में अल्लाह ताला आपको और तरक्की देगा, मेरे ख्याल से तड़का अच्छा लग गया दिल भाई यहाँ पर, इट जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर आई वुड से, I am out of words. Even you are emotional, I guess. बहरहाल मैं इस मोमेंट पे इसको मजीद जो है आगे ले जाते हुए मैं चाहूंगा कि शेख साहब ने मुझे वैसे इजाजत दी हुई है इस चीज की, तो मैं शेख साहब के मुंह से ही करवाना चाहूंगा। शेख, I want you to give 50% scholarships to at least 50 people right now. Those who are needy, those who want to take. ये देख लें, live show के ऊपर हुआ ये इस time पर। ये मेरा यकीन माने अभी लाइव सेशन से पहले कोई ज्यादा इरादा नहीं था, लेकिन आई वाज सो मूव्ड बाय द यू नो वर्ड्स ऑफ शेख राइट नाउ। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि मैं करना चाहता हूँ, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, जस्ट कमेंट योर नेम विद स्पेसिफिक यू नो 50% स्कॉलरशिप, आपको इंशाल्लाह राबता किया जाएगा, लेकिन इट शुड बी जेन्युइन क्योंकि बाकी लोगों का हक जो है ना ना मारा जाए। तो मेरे हिसाब से शेख आप खुद ही अनाउंस कर दें कि यू विल बी गिविंग 50% स्कॉलरशिप। नहीं, वो आप तो कोई मसले की बात नहीं, लेकिन पॉइंट ये है, देख लें जी अभी मैं तो अब एडमिन और ऑपरेशंस के अंदर हूं नहीं, मैं तो सिर्फ इनको समझा सकता हूं, 50 स्कॉलरशिप सफा के प्रोग्राम के लिए जेन्युइन केसेस हो जिनके पास वाकई पैसे नहीं है। ये तासुब नहीं चाहिए कि यूनिवर्सिटियों की 50-50-70,000 की सेमिस्टरों की फीस जा रही हो, मगर यहां कोर्सेस करने हो तो जी यहां पर हमारी गरीबी आ जाती है। यू आर अ जेन्युइन केस, वी आर गिविंग यू 50% स्कॉलरशिप्स, 50 लोगों को हमने अभी ओपन, ये अभी हुई है यहां पर ही, मुझे नहीं इसका पता था। ले जाए इंशाल्लाह ताला, पढ़ाई करें, इल्म हासिल करें। वो क्या था इसको कि इल्म हासिल करें और दिल खोल के इल्म हासिल करें, अल्लाह ताला आप सबसे वो काम ले ले।
जो हम नहीं कर सके इस दुनिया के अंदर। मे अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? हाउ मच टाइम हैव वी बीन लाइव फॉर बाय द वे? ये तकरीबन 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। अगर ये चाहते हैं कि ऑफ हो जाए, व्हाट्स द स्ट्रेंथ वी आर हैविंग राइट नाउ? वी आर अराउंड 300 पीपल। ऑलराइट, ऑन द रोटेशन। हां यस। सो मेरे हिसाब से शेख जो है वो आप थक गए होंगे। अच्छा, चले हम कोई सवाल हो, कोई ऐसा सवाल इनका जो वाकई देखें, सवाल बहुत आते हैं और वो एड्रेस भी हुए मैं सब। एनी यूनिक क्वेश्चन? वैसे आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर फैमिली इंशाल्लाह ताला भी, और कहीं से भी पढ़े आप, मैं कभी भी मुतासिब बात नहीं करूंगा। जाए किसी और से भी पढ़े, मैं प्रमोट सबको करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, बट इफ यू आर अ पार्ट ऑफ माई फैमिली आहलन वसाहलन मरहबा बिकुम। अल्लाह ताला आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। यू आर मेहमान इन आर होम्स, और जो अल्लाह का दीन सीखने आता है वो मेहमान होता है अल्लाह का। अल्लाह हम जैसे छोटे लोगों को आप जैसे बड़े लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चले इंशाल्लाह, मैं बताते चलूं, इंशाल्लाह 2nd of July इंशाल्लाह वी हैव हफ्ता अच्छा हो गया या नहीं हुआ? यस, नेक्स्ट फ्राइडे वी हैव ओरिएंटेशन। अच्छा, इसको बारे में लोग क्या कहते हैं कि शुड आई कंटिन्यू अ परमानेंट लाइव फॉर द पीपल, इसके ऊपर क्या कहती है, क्या फीडबैक है? एक इंस्टाग्राम इंडिया से मेरे बहुत अच्छा, मैं जरा इंडिया वालों का भी एक जवाब दे दूं। बहुत दुनिया कहती है, बहुत बड़ी हैवी आवाम हमें इंडिया से मैसेज करती है कि शेख साहब हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं आप हमारे लिए भी कोर्सेज करें। देखो यार, मैं तुम सब लोगों को एक बात कहूंगा, बड़े बड़े उलमा इंडिया के हैं, इस टाइम असल उलमा इंडिया से पैदा हुआ है। हमारी तो कोई औकात ही नहीं है जो इंडिया के अंदर उलमा और स्कॉलर। काश ये मुल्कों की सियासत के मामले ना होते तो मैं इल्म पढ़ने जरूर आता वहां पर। I know some very great scholars from India, हिंदुस्तान के। मैं काश मुझे उनकी जूतियां उठाने का मौका मिलता, काश मुझे उनसे पढ़ने का मौका मिलता। लेकिन आप इस बात को समझें कि भाई मैं एक गरीब फकीर आदमी हूं। अच्छा, ये भी हजम नहीं होता लोगों को, हम कहते हैं गरीब फकीर आदमी, ठीक है। वो किसी ने कह दिया आप एक गरीब फकीर और V8 में घूम रहे होते हैं शेख साहब। चले भाई, कोई तोहफे में दे देता है तो अल्लाह ताला कबूल करे, मैं कभी भी शौक नहीं रखता इन चीजों का। ये सियासी मामलात हैं और ये हकूमती मामलात हैं, और हमें भी एक काम करने के लिए ना परमिशंस देखनी पड़ती हैं और मुल्क की सतह पर सोचना पड़ता है। और अल्लाह के करम से जितना अल्लाह ने अभी तरक्की दी है, मैं एक सिर्फ शहर से जुड़ा हुआ शख्स नहीं हूँ, मैं पूरी कंट्री के साथ मेरे ताल्लुक आते हैं। हकूमत के साथ भी मैं काम करता हूँ माशाल्लाह, और अपने दूसरी इदारों के साथ भी मेरा ताल्लुक रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूट शुड वर्क विद द इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री एज वेल। तो इन वसाइल की वजह से हम जो है वो ये जो दो मुल्कों की बीच की जो सियासी रिफ्ट है, मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई खलल हमारे यहां से पैदा हो। अगरचे ऐसा कोई तासुब नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता, ऐसा कोई तासुब, मुसलमान कहीं भी बैठा हुआ है, इवन नॉन मुस्लिम भी कोई पढ़ना चाहे तो भाई मैं क्यों अपना इल्म रोकूंगा किसी। हम कोई कितमाने इल्म करने वाले कोई मुतासिब लोग हैं, पॉइंट है इन मसाइल के। तो अदील साहब मुझे जो है ना चाह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से शायद दुबई चला जाया करूं, और वहां पे जाके जो है ना मैं केटर कर लिया करूं। बहरहाल इंशाल्लाह ताला जैसे ही मुझे क्लियरेंसेस मिलेंगी, जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंसेस भी हमारी हो जाएंगी, हम डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बड़ी मार्केट को ओपन करेंगे। वेल, शेख आतिफ स्टुअर्ट टू इंडिया भी ये तो बड़ी बात होगी, लेकिन उसके लिए भी इजाजतें चाहिए होती हैं। होगा तो हम जरूर खिदमत भी करें, खिदमत हम हर जगह करते हैं। चले बहरहाल, फॉर ऑल द फॉलोअर्स एंड ऑल द लिसनर्स इन इंडिया, आई लव यू ऑल, मे अल्लाह ब्लेस यू, मे अल्लाह प्रिजर्व यू। मैं खादिम नौकर जी, मैं वल्ला ही आप कभी करीब से भी मिलेंगे तो आपको शायद पता चलेगा, खामियां बहुत हैं, दिल वाले लोग हैं हम भी, मतलब आई लव माई पीपल, मेरा खैर होनी चाहिए हर इंसान, वो जहां भी जाए खैर फैलाए, अपनी काम होना चाहिए, खैर का काम होना चाहिए कहीं पर भी हो। दूसरा, मैं अभी जो है आजाद कश्मीर वाले मुझे बहुत मिला, तो माशाल्लाह पूरा मुल्क ही रहा है। लेट्स सी मैं अपना अगला टूर कहाँ जाऊंगा, और आपकी भाभी अगर मुझे अलाउ करती है जल्द, वैसे तो वो रोकती कभी भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्दी मुझे अब फैसला भी करना होगा कि और भी शहरों के अंदर क्या होगा। इंशाल्लाह आई विल ट्रेवल
विद माई फैमिली विद माई वाइफ टू ऑल दीज प्लेसेस. अल्लाह ने वैसे दीन के साथ और इन तरक्कियों के साथ अल्लाह ने बहुत कुछ दिखाया. आज अगर मैं उन दुनियादार हलकों के अंदर होता या बिजनेस ज्वाइन कर लेता, वैसे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि एक दीनदार तबका बिजनेस नहीं करे, लेकिन होता तो शायद ये प्यार, ये मोहब्बतें, ये तरक्कियाँ और ये कबूलियत ना मिलती. आई ऑन दिस लाइव शो ऑफर माई हाई रिगार्ड टू माई कंट्री दैट एक्सेप्टेड मी, टू माई कंट्री दैट लव मी, एंड टू माई कंट्री दैट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी. मैं अपने मुल्क का वल्ला ही अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ. अल्लाह ताला के आगे मैं हम्बल हूँ, आजिज हूँ. मैं जानता हूँ मेरी कोई औकात हैसियत नहीं. मैं अपने मुल्क का सबसे पहले शुक्र गुजार हूँ जिसने मुझे कबूल किया, जिसने मुझे सुना, जितने भी मैं किया. जो मुझे नहीं जानते कोई मसले की बात नहीं है, बट वो भी अल्लाह की तौफीक से ही होगा. जितना भी मिला, आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं आपका की खिदमत कर सकूं, आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं पिंडाल गर्म कर सकूं, आपने मुझे इस लाइक समझा कि मैं खुद को कोई लाइक समझ सकूं. थैंक यू ऑल ऑफ यू, जज़ाकुम अल्लाह खैर. और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जहां भी बैठी है, जिन्होंने भी मुझे सराहा, जिन्होंने मुझे कबूल किया, मेरी हौसला अफजाई की, मैं थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जी. आई एम हाईली ग्रेटफुल एंड इन डेप्ट ऑफ यू. आप लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी, मैं इसका कर्ज कभी भी उतार नहीं सकूंगा. मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एंड मेरे लिए दुआ करिएगा. दुश्मनियाँ हमारी कम नहीं है, और हर किस्म की है, इंसानों में भी हैं, जिन्नाती भी हैं. जिस दिन मेरा दिन लिखा होगा उस दिन ये शेर गिर जाएगा. जब तक है, अल्लाह ताला मुझे उस शान से जीने की तौफीक अता फरमाए कि मैं जो हूँ वो यू नो आई शुड लिव लाइक अ लायन, आई शुड डाई लाइक वन. अल्लाह मुझे कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह शेख, आपकी अल्लाह ताला जुहूद को कबूल करे. अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे, सेहत ईमान के साथ, कि आपका साया हम पे हमेशा रहे. यहाँ पर मैं अपने इस वेबिनार को जो है वो एंड करता हूँ, और मैं साथ ही साथ अनाउंस कर दूँ कि जो लोग इसको सफ़ा कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे कॉमेंट कर दें. इंटरेस्टेड इंशाल्लाह आर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल देम वेरी सून. दूसरा ये है कि हमारी फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन जो है हमारा, फर्स्ट क्या होता ही एक ही है, तो वो इंशाल्लाह फ्राइडे को होगा लाइव जूम पर. जो लोग रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं इंशाल्लाह, और अगर जो है उसमें से कुछ झलक जो है वो इंशाल्लाह फेसबुक पर भी लाइव की जाएगी, ताकि जिन्होंने नहीं किया वो उस वक्त ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह. फ्रॉम दैट वीक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और 4 महीने का ये सफर होगा फर्स्ट सेमेस्टर का. 5 सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे, जिसमें उसूल फिक है, उसूल हदीस है, फिक सलाह है, अकीदा है जो शेख साहब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, और अरबिक ग्रामर है. आप जो है वो अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे दीनी इल्म हासिल करने की, और आपको बाअमल आलम दीन बनाए. अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब जहूद को अल मिदरार इंस्टीट्यूट की पूरी टीम से कबूल करें. आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अपना बहुत ख्याल रखेगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.